चलो इस क्वेश्चन में आपके पास एक आश्वासन दिया हुआ है और इसमें बोला हुआ है सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड्स एंड नॉन रिड्यूसिंग इन शुगर। तो ध्यान देंगे, आपके सामने सुक्रोज का फिगर मैं दे रहा हूं आपको। तो सुक्रोज में क्या होता है बच्चों लोग, आपके पास डाइसैकेराइड होता है, ये बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज से एंड बीटा डी फ्रुक्टोज से बना होता है, और ये आपस में ग्लूकोज के 0.1 से और फ्रुक्टोज के 0.2 से लिंक होता है थ्रू अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यानी इसका टाइप होता है अल्फा टाइप का। चेक। तो ये रहा अपना 0.1 प्लस जो है ग्लूकोज। सुक्रोज में ध्यान देना, इसमें ये होता है नॉन रिड्यूसिंग। तो डाइसैकेराइड्स में दो ही ऐसा डाइसैकेराइड होता है, एक होता है सुक्रोज एंड होता है ट्रीहलोज, जो होता है नॉन रिड्यूसिंग। सुक्रोज एंड ट्रीहलोज। तो सुक्रोज क्या होता है बच्चों लोग, नॉन रिड्यूसिंग। इसका रीजन बोला गया कि इसमें कहीं भी हेमीस्टर लिंक नहीं है, यानी सी पे जिस सी पे OH होगा उसी सी पे O और C का कनेक्शन नहीं दिखेगा आपको, यानी इसको बोलते हैं हेमीस्टर लिंक। ए सुक्रोज में अब्सेंट होता है। चेक। यानी पहला जो असर्शन है करेक्ट होगा। रीजन बोला गया है सुक्रोज इन्वॉल्व ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन C1 ऑफ बीटा ग्लूकोज एंड C2 ऑफ अल्फा फ्रुक्टोज। तो ध्यान ना, यहाँ पे ग्लूकोज अल्फा है और बीटा फ्रुक्टोज है, इसका मतलब ये जो रीजन है गलत है। ठीक है, असम्पशन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है, यानी ऑप्शन जो बी होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए और इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज जब हम करते हैं तो हमको क्या मिलता है। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि सुक्रोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ध्यान देंगे, सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज होता है एंड बीटा डी फ्रुक्टोज होता है, प्लस ध्यान देना इसमें जो ग्लूकोज होता है वो होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी लाइट को राइट घुमाता है, यहाँ पे प्लस सिंबल यूज रहेगा। और जो फ्रुक्टोज होता है लीवो रोटेटरी, यानी यहाँ आपके प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में घुमाता है, उसके लिए हम लोग माइनस साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ एल लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डी लिख सकते हैं। तो जो आपको आपको हाइड्रोलाइसिस के बाद जो ग्लूकोज मिलने वाला है उस वो प्लस साइन में होगा, यानी उसका रोटेशन राइट के साइड होने वाला है, और जो फ्रुक्टोज मिलेगा उसका रोटेशन लेफ्ट होगा, यानी माइनस साइन होगा। अब ध्यान देंगे तो ऑप्शन जो होगा, आप देखोगे अल्फा डी ग्लूकोज पॉजिटिव कहाँ दिख रहा है और बीटा डी फ्रुक्टोज माइनस कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में। तो आपका ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए और उसके सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि गिवन कंपाउंड में से किस में बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा बिटवीन कार्बन C1 to C4। तो ध्यान देंगे, इन सारे का हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो जो माल्टोज होता है, माल्टोज में क्या होता है, 0.1 and 4 में अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, अल्फा टाइप का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा। सुक्रोज में भी क्या होता है, कार्बन नंबर 0.1 पे एंड कार्बन 2 पे आपका अल्फा टाइप का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। लैक्टोज में क्या होता है बच्चों लोग, लैक्टोज में भी आपका गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ग्लैक्टोज का कार्बन नंबर 1 पॉइंट और ग्लूकोज का 4 पॉइंट पे बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगा। ठीक है, बाकी अमाइलोज में क्या होता है, 0.1 to 4। अमाइलोज बेसिकली क्या है, एक पॉलीसेक्राइड्स का एग्जाम्पल है, और इसमें क्या होता है आपका ग्लूकोज जो होता है 1 and 4 पॉइंट पे अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से लिंक होगा। तो हमारे क्वेश्चन का डिमांड क्या था कि कार्बन नंबर 1 and 4 पॉइंट पे लिंकेज होना चाहिए, और जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बच्चों लोग, वो होना चाहिए बीटा ग्लाइकोसाइडिक, जो कि आपको मिलेगा कहाँ बच्चों लोग, लैक्टोज में। यानी आप देखोगे तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस तरह के सिंपल एंड इंट्रैक्टिव सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ फर्दर कनेक्टेड रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। तो ध्यान देना, पहला स्टेटमेंट है बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज मैक्स सेलुलोज पॉलीमर। तो ध्यान देंगे, अगर हम सेलुलोज का फिगर देखते हैं तो सेलुलोज में होता क्या है,
तो सेलुलोज देखो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें होता क्या है कि जो भी आपका ग्लूकोज है वो 0.14 पे बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा होता है। नहीं, सेलुलोज में बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, लिखा भी हुआ है आपके पास एनसीईआरटी के डायग्राम में। यानी आपका पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अगला है ग्लाइकोजिनेज एनिमल स्टार्च, ये भी करेक्ट होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये स्टेटमेंट है जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी सही है। तो ध्यान देना, आप जो स्टार्च को देखते हो ना, तो स्टार्च में बेसिकली क्या होता है, स्टार्च में दो कंपोनेंट होता है, अमाइलोजन अमाइलोपेक्टिन। दोनों में क्या होता है, आपका अल्फा डी ग्लूकोज आपस में लिंक होता है अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से 0.1 एंड 0.4 पे। ठीक है, तो इसमें ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता होगा, अल्फा टाइप का स्टार्च में, तो पॉलीमर होता है, ये भी सही स्टेटमेंट रहेगा। अगला बोला गया है अमाइलोज इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो ध्यान ना, ग्लूकोज से बनता स्टार्च, ठीक है, पॉलीमर। अब स्टार्च के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है अमाइलोपेक्टिन और एक होता है अमाइलोज। अमाइलोज बेसिकली लीनियर पॉलीमर होता है, इसमें मोर देन 200 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज पार्टिकल अटैच होते हैं, बट ये आपका लीनियर पॉलीमर होगा। तो आपके स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ये जो पॉलीमर है वो ब्रांच है अमाइलोज, जो कि गलत है। यानी आपका स्टेटमेंट जो डी होगा वो होगा इनकरेक्ट। तो बच्चों लोग इस तरह के सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा केमिकल टेस्ट है जिसका यूज करके आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स में। तो ध्यान देना, इसका जो टेस्ट होता है बारफोइड टेस्ट होता है, तो इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके इनसेट से बाहर का चीज़ है, तो आप इसको याद कर लो। और इसके अराउंड जो भी टेस्ट लिखा हुआ ना, टॉलेंट टेस्ट, आर्डन टेस्ट, इसको भी थोड़ा रिफर कर लेना है। मे भी हो सकता है कि दोबारा आप क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से पूछा जा आ जाए, तो इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए और जो टॉपिक आपको एनसेट मेंशन नहीं किया हुआ है उसको किस तरह से आपको पढ़ना है उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग ध्यान देना, इस क्वेश्चन बोला गया है कि एक कंपाउंड ए है जिसको हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमको डी ग्लैक्टोज एंड डी ग्लूकोज मिलने वाला है, तो बोला कंपाउंड ए क्या होगा। तो ध्यान देना, आपके सामने जो ऑप्शंस उसका फिगर मैं लिख चुका हूँ, तो ध्यान देंगे आप देखोगे लैक्टोज को, आप देखोगे तो लैक्टोज में देखोगे लैक्टोज किससे बना होता है, तो बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज अगर लिंक होता है 0.1 to 0.4 में बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से तो ये बनता है। यानी इसको हम तोड़ेंगे तो डी ग्लैक्टोज मिलेगा और डी ग्लूकोज मिलेगा। यानी आपका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा लैक्टोज, यानी ऑप्शन सी सही होगा। तो बच्चों लोग इस तरह के इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपके पास सामने सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में जो एंजाइम यूज ए होता है, एक एंजाइम ए यूज होता है जिसका यूज करके सुक्रोज ब्रेक करता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में, और ग्लूकोज जो फर्दर एंजाइम बी के साथ जब पार्टिसिपेट करेगा तो बनाता है इथेनॉल। तो बोला गया एंजाइम ए और बी क्या होता है, ध्यान ना, एंजाइम ए होता है इन्वर्टेज और बी होता है जाइमेज। यानी आपका जो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। ठीक है बच्चों लोग, तो इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपसे बोला गया है कि इसमें फ्रुक्टोज किसका एग्जाम्पल होगा, तो ध्यान देना आपको पता है फ्रुक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है, और ऊपर नीचे हम देखेंगे तो कितना कार्बन होता है, तो आपके पास 6 कार्बन टोटल होता है, तो कीटोन ग्रुप है साथ में 6 कार्बन है। इसका मतलब इसको हम कीटोन तो बोलेंगे, साथ में चूंकि 6 कार्बन है तो उसमें हेक्सोज वर्ड यूज करेंगे, इसका नाम होगा कीटो हेक्सोज। यानी क्या होगा, ऑप्शन ए आपके लिए करेक्ट होगा। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपके पास एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर ए दिया हुआ है जिसके हाइड्रोलिसिस करने पे हमको 2 रिड्यूसिंग शुगर मोनोसैकेराइड्स मिलता है। तो ध्यान देना, इसका मतलब जो आपका ए होगा डाइसैकेराइड्स, क्योंकि ए को ब्रेक करने पे 2 मोनोसैकेराइड मिल रहा है, तो ए को ब्रेक करने पे अगर 2 मोनोसैकेराइड मिलता है मतलब आपका ए होगा डाइसैकेराइड्स। ठीक है, अब डाइसैकेराइड में नॉन रिड्यूसिंग कौन होता है, तो आपको आपको पता होना चाहिए 2 ही डाइसैकेराइड होते हैं जो कि नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, या तो सुक्रोज होगा या तो ट्री हैलोज होगा। अब जो ट्री हैलोज है
वो नॉर्मली आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, आपके बायोलॉजी के एनसीईआरटी मिल जाएगा बट केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में चीज नहीं दिया हुआ है। तो हमारा पॉइंट आउट हम लोग करते हैं तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में सुक्रोज हो सकता है। इसके अलावा जितना ही मोनोसैकेराइड्स होते हैं सारा सारा क्या होता है, रिड्यूसिंग होते हैं, तो ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग। तो अगर ऑप्शन देखेंगे तो ध्यान देना, सुक्रोज को ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा और फ्रुक्टोज मिलेगा। तो सुक्रोज होता है नॉन रिड्यूसिंग और जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलेगा क्या होगा, रिड्यूसिंग होगा। यानी आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सुक्रोज होगा। ठीक है, अब सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग क्यों होता है, क्योंकि इसमें हेमिस्टर लिंक नहीं होता है। वहीं आप देखोगे तो लैक्टोज में इस पॉइंट पे आपके पास कार्बन, जिस कार्बन पे OH है वही कार्बन OC से जुड़ा हुआ है, दिख रहा होगा आपको इस पॉइंट में इधर साइड में। यानी इसके पास हेमिस्टर लिंक है आपके पास इस लैक्टोज मॉलिक्यूल में। तो हेमिस्टर लिंक जो होता है वो सिस्टम को क्या बनाता है, बच्चों लोग, रिड्यूसिंग बनाता है। यानी लैक्टोज रिड्यूसिंग होगा और सुक्रोज क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा। इसलिए अपना जो ऑप्शन था वो था सुक्रोज। तो बच्चों लोग इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज इन द लैक्टोज। तो ध्यान देना, लैक्टोज का फिगर आपके सामने है। तो लैक्टोज का फिगर में बीटा डी ग्लैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज 0.1 and 4 पे बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन देखोगे तो 0.1 and 4 में लिंक होता है और किस टाइप का होता है, तो होता है आपका 0.1 किसका है, 0.1 है ग्लैक्टोज का और 0.4 किसके लिए, किसका बच्चे लोग, ग्लूकोज का। तो 0.1 जो होगा वो होगा ग्लैक्टोज का और 0.4 होगा ग्लूकोज का। यानी ऑप्शन जो डी होगा आपके लिए करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा एनोमर ऑफ माल्टोज। ना जो अल्फा एनोमर ऑफ माल्टोज होता है उसमें दो अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं और वो लिंक होते हैं 1,4 पॉइंट पे थ्रू अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इस फिगर से आपका है ना ऑप्शन डी का जो फिगर होगा मैच कर रहा होगा। ठीक है, तो ये था आपके अल्फा एनोमर ऑफ माल्टोज का स्ट्रक्चर। तो इस तरह के इंट्रैक्टिव एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपके पास लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है, दोनों को करेक्ट मैच में डालना है। तो ध्यान देना, आपके पास लिस्ट 1 में ऑप्शन ए में सुक्रोज है। अब ध्यान देना, सुक्रोज जो डाइसैकेराइड होता है उसमें कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स होते हैं, तो आपके सामने इस सुक्रोज का फिगर आपको दिख रहा होगा। इसमें अल्फा डी ग्लूकोज होता है एंड बीटा डी फ्रुक्टोज होता है और दोनों 0.1 and 0.2 पे आपस में अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से कनेक्टेड होते हैं। तो ए के लिए कौन सा मैच सही होगा, तो ए के लिए 2 होगा, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है, नेक्स्ट जो है लैक्टोज, लैक्टोज के लिए क्या होगा बच्चों लोग, तो लैक्टोज ध्यान देना, लैक्टोज में बीटा डी लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज लिंक होता है 1 and 4 पोजिशन में टू बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो लैक्टोज में क्या होगा, बीटा डी ग्लैक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, तो ए बी के लिए 1 सही होगा। बात करते हैं सी, तो माल्टोज ध्यान देना, माल्टोज का फिगर आपके सामने है। तो माल्टोज में अल्फा डी ग्लूकोज आपस में 0.14 से कनेक्टेड होता है थ्रू अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो माल्टोज के लिए ऑप्शन होगा 3, यानी ए के लिए 2, बी के लिए 1 एंड सी के लिए 3। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों लोग ये होगा ऑप्शन डी। तो बच्चों लोग इस तरह के इंट्रैक्टिव एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सेलिवानोफ टेस्ट एंड जेनथेप्रोटिक टेस्ट जो है किसके आइडेंटिफिकेशन में यूज होता है। तो आपको ब्लैंक्स फिलअप करना था, ध्यान देना, जो सेलिवानोफ टेस्ट जो होता है बच्चों लोग, एक कीटोज एंड अल्डोज शुगर को डिफ्रेंशिएट किया जाता है।
ठीक है। और जैन प्रोटिक टेस्ट का जो हम लोग यूज करते हैं, जो सोल्यूबल प्रोटीन्स होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा जैन प्रोटिक के लिए प्रोटीन्स होगा, एंड सेलिवेनॉफ के लिए क्या होगा, किटोज होगा। यानी आपका जो ऑप्शन बी होगा ए होगा करेक्ट। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन का एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा फाइब्रस प्रोटीन का एग्जाम्पल नहीं है। तो ध्यान देंगे, जो अल्बुमिन होता है, अल्बुमिन ये जो होता है एक ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जाम्पल होता है, तो ये फाइब्रस का एग्जाम्पल तो नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को स्टेबलाइज करने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा। तो पता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चों लोग, या तो होगा अल्फा हेलिकल शेप होगा या तो बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर होता है, और इन दोनों का स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऑप्शन सी जो होगा ये होगा करेक्ट। तो स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए कौन सा इंट्रैक्शन फोर्स उसको स्टेबल रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है बच्चों लोग, इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन सा अमीनो एसिड ट्राइसिन होगा। तो ध्यान देना, जो अमीनो एसिड होता है उसमें क्या होता है, सी एच होता है, और यहाँ पे सी एच होगा, यहाँ पे एन एस टू होगा, और यहाँ पे एक आर ग्रुप होगा। तो बेसिकली आपको अगर इस आर को पहचान लोगे तो इस अमीनो एसिड को पहचान लोगे, ठीक है। तो ट्रायसिन होने के लिए अगर हम देखते हैं तो ट्रायसिन के लिए आर ग्रुप क्या होना चाहिए, तो आप देखोगे ट्रायसिन के लिए आर ग्रुप होना चाहिए वाला, जिसको हम ड्रॉ करके दिखाए, तो ऐसा कुछ होना चाहिए आपके पास। सी एच टू पारा पोजिशन पे ओएच होना चाहिए। अब देखो इसको अगर लगा देंगे, इस आर को अगर हम लगाते हैं, इसको अगर हम आर मानते हैं और लगाते हैं अपने इस पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा आपका ट्रायसिन। और ये किससे मैच कर रहा है, तो मैच कर रहा है ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। तो ये हो गया टायरोसाइन का स्ट्रक्चर, टायरोसाइन का स्ट्रक्चर। बच्चों लोग इस तरह के इंट्रैक्टिव एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा इंट्रैक्शन है जो आपके अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ध्यान देना, आपको पता है कि अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। इसका मैं फिगर आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें होता क्या है, इस स्ट्रक्चर में आपके पास क्या होता है कि एक जो चेन का एक जो सी ओ पॉइंट है उसका जो ओ का लोन पेयर है, दूसरे पॉइंट के नाइट्रोजन के हाइड्रोजन से क्या होता है, क्लब करता है, ठीक है, थ्रू एच बॉन्डिंग, थ्रू एच बॉन्डिंग। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रैक्शन जो यहाँ पे दिख रहा है, यही अल्फा हेलिकल शेप के स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अपना जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग इस तरह के इंट्रैक्टिव एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास चार अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन, ल्यूसिन, एस्पार्टिक एसिड एंड हिस्टिडीन, और ये चारों क्लब करके एक टेट्रा पेप्टाइड फॉर्म करेगा, तो उसमें कितना पेप्टाइड लिंकेज होगा। तो ध्यान देना, जितना अमीनो एसिड होता है उससे पेप्टाइड लिंकेज एक कम बनता है। यानी यहाँ पे चार अमीनो एसिड है तो पेप्टाइड का नाम रखेंगे टेट्रा पेप्टाइड, बट उसमें जो पेप्टाइड लिंकेज का नंबर होगा वो क्या होगा, थ्री होगा। तो इसका आंसर क्या बोलेंगे बच्चे लोग, थ्री। तो सिंपल कॉन्सेप्ट था, जितना भी अमीनो एसिड होगा उससे एक कम, यानी वन लेस बनाना आपको पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चार्ज नेगेटिव ऑन टेट्रापेप्टाइड, और टेट्रापेप्टाइड कहाँ पे सीक्वेंस का लिंकेज दिया हुआ है। तो पहला जो अमीनो एसिड है ग्लाइसिन है, सेकेंड ग्लूटामिक एसिड है, थर्ड क्या है स्पार्टिक एसिड है, एंड फोर्थ का है टायरोसाइन है, ठीक है। तो फोर्थ का है टायरोसिन है। तो ये सारा आपके पास अमीनो एसिड का लिस्ट है जो उसमें इन्वॉल्व होने वाला है। ध्यान देंगे, जो भी अमीनो एसिड इन पॉइंट पे होता है, तो इन पॉइंट पे जो अमीनो एसिड होता है उसका, तो यहाँ पे ग्लाइसिन एक इन पॉइंट पे है, एक टायरोसिन है। इसका मतलब आपके टेट्रापेप्टाइड फॉर्मेशन में एक का
एसिड चला जाएगा तो दूसरे का एनएच चला जाएगा, ठीक है। तो किसी का भी मान सकते हैं, मान लेते हैं ग्लाइसिन का सी हो गया है तो इसका NH2 लेफ्ट साइड बचा हो रहेगा, और अगर मान लेते हैं टायरोसिन का अगर एन एन गया है तो इसका जो COH सिस्टम होगा वो इस पॉइंट पे होगा। तो मान लेते हैं ग्लाइसिन है और एक टायरोसिन है, ठीक है। तो यहाँ से अब टायरोसिन में था ना, आपके पास क्या होता है, फिनोल सिस्टम होता है, तो वह मैं आपको दिखा दिया। बाकी जो भी अमीनो एसिड बीच में आएगा उसका NH2 और COH दोनों चला जाएगा। इन जो भी अमीनो एसिड बीच में आने वाला है उसका जो एसिड ग्रुप है उसका OH हट चुका होगा, और जो NH2 ग्रुप है उसका H हट चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप H निकाल देंगे, यहाँ से आप OH निकाल देंगे, और यहाँ पे R होगा। तो बीच वाले में जो भी अमीनो एसिड है यानी ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, दोनों का एसिड ग्रुप खत्म हो चुका होगा। तो बचा क्या होगा, लेकिन ध्यान देना, जो ग्लूटामिक एसिड होता है और जो स्पार्टिक एसिड होता है दोनों के आर वाले पार्ट में एक एसिड होता है। तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि ग्लूटामिक एसिड के आर वाले पार्ट में भी एक एसिड ग्रुप होगा और स्पार्टिक एसिड के जो आर वाले पार्ट में भी एक एसिड होगा एक्स्ट्रा, क्योंकि ये सब एसिडिक अमीनो एसिड होता है। अब पीएच करोगे 2.5 तो उस केस में क्या होगा, उस केस में नेगेटिव कहाँ कहाँ क्रिएट होगा, तो 2.5 हाईली बेसिक मीडियम है तो उस केस में क्या होगा बच्चों लोग, जितना भी एसिड है वहां से एच निकल जाएगा, तो एच निकल जाएगा नेगेटिव यहाँ बनेगा, एच निकल जाएगा नेगेटिव यहाँ बनेगा, यहाँ से एच निकाल दोगे नेगेटिव यहाँ बनेगा, और फिनोल सिस्टम का भी एच निकाल के नेगेटिव यहाँ बनेगा। तो टोटल नेगेटिव कितना होगा चलो, तो टोटल नेगेटिव जो होगा वो 4 फॉर्म करने वाला है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह के इंट्रैक्टिव सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में बच्चे लोग। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपका यूरोसिल का अलग अलग आइसोमर ड्रॉ करके दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें पूछा गया है इनमें से कौन सा आइसोमेरिक फॉर्म जो होता है यूरोसिल का जो आपका आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो ध्यान देंगे, जो आरएनए में प्रेजेंट होता है यूरोसिल उसका फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये ऐसा फिगर होता है, इसमें सी डबल ओ के बीच में एनएच है और उसके इधर में कार्बन का डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एनएच है। तो अगर इसको देखोगे तो ये मैच करेगा ऑप्शन आपके ए के साथ, दो डबल बॉन्ड के बीच में एनएच है, कार्बन का डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एन के साथ एच जुड़ा हुआ है। तो ये जो करेक्ट, ये जो फॉर्म है ये फॉर्म प्रेजेंट होता है आपके आरएनए में। बच्चों लोग इस तरह के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि थायमिन एंड पायरिडॉक्सिन को और किस नाम से जाना जाता है। तो थायमिन को हम विटामिन B1 बोलते हैं और पायरिडॉक्सिन को हम लोग विटामिन B6 बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन ए। बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में से पूछा जा रहा है कौन सा स्ट्रक्चर जो करेक्ट होगा साइटोसिन के लिए। तो ध्यान देना, आपको साइटोसिन का मैं फिगर दिखा रहा हूँ, ये हो आपका साइटोसिन का फिगर, ठीक है। अब इस फिगर से आप देखोगे तो कौन सा फिगर आपका मैच कर रहा है। अब देखना इस फिगर से आपका जो बी फिगर है, बी नंबर जो फिगर है वो आपका मैच कर रहा है, यानी इसका मतलब आपका बी जो होगा वो होगा करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन। बच्चों लोग इस तरह के इंट्रैक्टिव सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और बोला गया ये जो स्ट्रक्चर है इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर क्या होगा डीएनए में। तो ध्यान देना, ये जो गिवन स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये आपका थाइमिन का है, और थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग किसके साथ होता है, तो होता है एडेनाइन के साथ, इन टी लिंक होता है ए के साथ विथ डबल एच बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पर कौन सा होगा, एडेनाइन, यानी ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट होगा। तो बेसिकली आपको सारे जो भी बेसिस हैं आपके डीएनए आरएनए में उसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के आया हुआ है, और इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहेंगे, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पेयर ऑफ सब विटामिन हमारे बॉडी में लंबे टाइम के लिए स्टोर होता है। तो जो विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं, फैट सोल्यूबल हमारे बॉडी में लंबे टाइम के लिए स्टोर होते हैं, तो विटामिन ए और डी दोनों फैट सोल्यूबल विटामिन हैं तो हमारे बॉडी में लंबे टाइम के लिए स्टोर होंगे। बाकी ध्यान देना, स्कॉर्बिक एसिड बेसिकली विटामिन सी है और थायमिन बेसिकली बच्चों लोग विटामिन बी है। तो विटामिन बी और सी बेसिकली क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है,
तो ए आपके बॉडी में विटामिन तक स्टोर नहीं करता, तो हर ऑप्शन में कहीं ना कहीं आपका विटामिन बी या फिर सी मेंशन किया हुआ है। तो अगर आपसे पूछा गया कि दोनों पेयर जो है लंबे टाइम तक स्टोर होना चाहिए, इसका मतलब दोनों क्या होना चाहिए, दोनों आपका फैट सोलुबल होना चाहिए, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी विटामिन ए एंड डी, ये दोनों लंबे टाइम के लिए आपके बॉडी में स्टोर होंगे क्योंकि वाटर सोल्युबल नहीं होते हैं, होते हैं फैट सोल्युबल। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन का एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग विटामिन के जो होता है हमारे ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, तो अगर विटामिन के का डिफिशेंसी अगर होगा तो हमारा ब्लड का जो क्लोटिंग टाइम क्या होता है वो क्या होगा बच्चों लोग, वो इंक्रीज कर जाएगा, यानी आपका ब्लड जो क्लोट है वो जल्दी नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है आपके डिलेइंग इन ब्लड क्लोटिंग में, तो आपको पता है कि ब्लड क्लोटिंग है वो जल्दी करना है तो विटामिन के मेरे को हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि ब्लड क्लोटिंग को हमको डिले करना है तो कौन सा विटामिन हमको हेल्प करेगा, इसके लिए ऑप्शन होगा डी, विटामिन ई जो है आपके ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस को क्या करता है, डिले करता है। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन सी वन ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड सी टू ऑफ बीटा फ्रुक्टोज इज फाउंड इन, और आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज एंड अमाइलोज, ठीक है। ध्यान देना इन सारे का हम लोग स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो आप देखना माल्टोज में क्या होता है, ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज का सी वन एंड अल्फा ग्लूकोज का सी फोर आपस में लिंक होता है अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, ठीक है। अब ध्यान यहाँ पे सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा फ्रुक्टोज का लिंकेज होता है कार्बन नंबर 1 एंड 2 के बीच में, तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमको तो वही चाहिए था ना कि सी वन ऑफ अल्फा ग्लूकोज एंड सी टू ऑफ बीटा फ्रुक्टोज किस में लिंक होता है सी टू और सी वन। तो ध्यान देंगे जो सुक्रोज है इस फिगर में आपका ग्लूकोज का 1 पॉइंट और बीटा फ्रुक्टोज का 2 पॉइंट आपस में कनेक्ट होता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से, तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा ये होगा सुक्रोज, यानी ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में पूछा है इज गिवन बिलो जो चार ऑप्शन है उसमें से कौन सा रिड्यूसिंग शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान देना जब भी हम बात करते हैं हम लोग रिड्यूसिंग शुगर का और आपको फिगर देके पहचानना होगा, तो बहुत सिंपल सा चीज है, आपको ढूंढना है हेमी एसिटल लिंक को, हेमी एसिटल लिंक, यानी आपको देखना है कि आपके फिगर में इस तरह का कोई लिंक है क्या जिसमें सेम कार्बन पे ओ जुड़ा हो और सेम कार्बन से ओ आर जुड़ा हो। अगर ऐसा कार्बन कोई भी दिखे आपको सिस्टम में जहां पे सेम कार्बन पे ओ एच हो और सेम कार्बन से ओ आर, यानी ओ एच और ओ के साथ कार्बन का लिंक हो, ऐसा ऐसा कुछ आपको ढूंढना है, तो अगर जिस फिगर में आपको दिखेगा वो रिड्यूसिंग शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये आप ध्यान देना। तो ध्यान देंगे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन में इस कार्बन पे क्या है ओ एच है और यहाँ पे देखना यहाँ पे ओ जुड़ा हुआ है और ओ के बाद कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन ए में क्या है आपका मुझे ऐसा लिंक दिख रहा है इस तरीके का, यानी ऑप्शन ए जो है रिड्यूसिंग शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, ठीक। बाकी जगह हम देखेंगे जैसे ऑप्शन बी में आपको कोई भी ऐसा कार्बन नहीं दिख रहा है जहाँ पे ओ एच और ओ आर हो, जैसे इसमें नहीं है, इस फिगर में भी ऐसा कोई मुझे कार्बन नहीं दिख रहा है जहाँ पे ओ एच और ओ के साथ सी जुड़ा हो, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ वाले कार्बन मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। तो बच्चों लोग इस तरह के इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ बने रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एनिमल स्टार्च का दूसरा नाम क्या होता है, तो ध्यान देना यहाँ पे ऑप्शन है अमाइलोज, माल्टोज, ग्लाइकोजन, अमाइलोपेक्टिन। तो ध्यान देना एक क्वेश्चन सिंपली आपके एनसीईआरटी का लाइन से लिया हुआ है, तो एनिमल स्टार्च का अदर नाम होता है ग्लाइकोजन। इसके स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ग्लाइकोजन इस तरह का कुछ होता है, हाईली ब्रांच पॉलीमर जैसा होता है,
ठीक है। बाकी इसके अलावा हम लोगों ने अमाइलोज माल्टोज इसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है, बट आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ग्लाइकोजेन। ठीक है बच्चों लोग, तीसरे के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास सामने इन्फॉर्मेशन है कि एक शुगर एक्स है जो स्लोली डिहाइड्रेट कर रहा है अंडर एसिडिक कंडीशन टू गिव फुरफुरल, विच ऑन फर्दर रिएक्शन विथ रिसोर्सिनोल गिव अ कलर प्रोडक्ट आफ्टर सम टाइम। तो आपको एक्स पहचानना है, तो ध्यान देना ये बेसिकली एक टेस्टिंग रिएक्शन है। इस टेस्टिंग का नाम है सेली वैन ऑफ। टेस्टेशन बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली अल्डोज और किटोज एंड किटोज में डिस्टिंग्विश करने के लिए होता है। तो इसमें ध्यान देना, इसमें जो अल्डोज फॉर्म होता है वो स्लोली 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 अपना रिएक्शन करता है, और जब इसको रिएक्शन करोगे रिसोर्सिंग के साथ तो पिंक कलर फॉर्म करता है आफ्टर सम टाइम। और केटो जो है वो रिएक्शन को फास्ट करता है और डार्क रेड कलर फॉर्म करता है आफ्टर ट्रीटमेंट विथ रिसोर्सिनोल। तो अगर इस इंफॉर्मेशन को हम देखें, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला कि स्लोली रिएक्ट करता है, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा वो अल्डोज होगा। ठीक है, अब अल्डोज में आपके पास जो है आपका जो बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ बन रहा है फुरफुरल, फुरफुरल क्या होता है बच्चों लोग, फुरफुरल ऐसा कुछ होगा, यानी इसमें क्या है आपका पांच मेंबर है, कहीं ना कहीं पांच कार्बन है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा अल्डो पेंटोज हो जाएगा। ठीक है, इसका बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा अल्डो पेंटोज। इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास लिस्ट वन है लिस्ट टू है, दोनों को मैच करना आपस में। तो बेसिकली ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट बेसिकली लिया हुआ है ग्लूकोज के रिएक्शन से। तो यहाँ पे पहला बोला कि ग्लूकोज और एचआई के रिएक्शन से क्या बनता है, तो ध्यान देना ग्लूकोज और एचआई का हम लोग देखेंगे बच्चों लोग। तो ग्लूकोज को जब हम एचआई से रिएक्ट करते हैं तो एचआई क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करता है, सारे कार्बन का जो भी ग्रुप है उसको रिप्लेस कर देता है कोरिस्पॉन्डिंग अल्केन में, यानी हर जगह हम लोग को ओ हटा के एच लगा देना है, वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, सबको अल्केन में कन्वर्ट कर देना है, यही बन जाएगा आपका हेक्सेन फॉर्म कर जाएगा। ठीक, Br2 वाटर से क्या होता है बच्चे लोग, तो Br2 वाटर क्या करता है, ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये टॉप वाले जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो इसमें क्या करता है बच्चे बेसिकली ऊपर वाले अल्डिहाइड को भेजता है कोरिस्पॉन्डिंग एसिड में, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं करेगा, बस टॉप वाले अल्डिहाइड को भेजेगा एसिड में, और इसका नाम होता है ग्लूकोनिक एसिड, यानी बीआर टू वाटर से बनता है ग्लूकोनिक एसिड। तो अगर हम देखते हैं मैच में, तो एच आई मैच करेगा आपके फोर के साथ, यानी ए का फोर से मैच होगा और बी का मैच होगा वन के साथ। तो ए का फोर बी का वन देखोगे तो एक ही जगह दिया हुआ है, यानी ऑप्शन ए में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होने वाला है, उन्होंने देख लिए। बाकी मैचों को भी और हम चेक कर लेते हैं बस, ठीक है, हम लोग आंसर तो हम पहुंच चुके हैं कि अपना ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। तो अगर आपको बेसिक एनसीईआरटी पे जो ग्लूकोज का रिएक्शन दिया हो अगर आपको पता है तो क्वेश्चन बहुत ईजी आपसे बनने वाला है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग, ग्लूकोज प्लस नाइट्रिक एसिड, आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जब हम ग्लूकोज को ट्रीट करते हैं नाइट्रिक एसिड से तो क्या होता है, टॉप में जो एल्डिहाइड पोजीशन है और बॉटम का जो CH2OH है दोनों कन्वर्ट होता है CH में, इसको बोलते हैं हम लोग सैक्रिक एसिड बोलते हैं। ठीक, और अगर हम ग्लूकोज को ट्रीट करते हैं एसिटिक एनहाइड्रेट से AC2O से तो होता क्या है, जहां भी OH होगा ना, जहां भी OH होगा उसमें से H को हटा के इस H को रिप्लेस करके उसको उसमें ऐड कर देते हैं हम लोग COCH3 ग्रुप ऐड कर देते हैं, यानी स्टाइल ग्रुप को ऐड कर दिया जाता है। तो आपके पास पता है ग्लूकोज में कितना कितना OH ग्रुप होता है, तो एक दो तीन चार पाँच, तो पांचों OH का H निकाल के उसमें COCH3 को जोड़ेंगे, यानी ग्लूकोज का पेंटा एसिटेट फॉर्म करता है। तो ये चीज़ यहाँ समझाया हुआ है कि जहाँ जहाँ OH है सबको हटा के उसमें CH3 ग्रुप को ऐड कर दिया गया, यहाँ पे चार और यहाँ पे एक पाँच। ठीक है, इसका मतलब
सी जो होगा सी में आपका बनेगा ग्लूकोज का पेंटासिड फॉर्म बन जाएगा, यानी सी टू से मैच करेगा, और डी ग्लूकोज प्लस नाइट्रिक एसिड मैच करता है किससे, सैक्रिक एसिड से, यानी डी होगा थ्री से। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने एक साइक्लिक हेमिस्ट्रल एक्स लिखा हुआ है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका करेक्ट पैरानोज स्ट्रक्चर क्या होगा। इसमें आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ध्यान सुनना, आप ऑक्सीजन के साथ जो यहाँ कार्बन वो टॉप में लिंक है उसको वन मानोगे, फिर ये टू होगा, ये थ्री होगा, ये फोर होगा, ये फाइव होगा, ठीक है। ऑक्सीजन को अगर इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पे आपका टोटल जो मेंबर होगा रिंग का वो कितना होगा, छः मेंबर रिंग बनेगा, ठीक। तो आप क्या करोगे, इस तरह का छः मेंबर रिंग को ड्रॉ कर देना पहले, बस में, और छः में रिंग को ड्रॉ करने के बाद इसको थोड़ा बेटर तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ और इसको दोबारा हम ड्रॉ कर लेते हैं रिंग के इन पॉइंट्स को, तो और अच्छा दिखेगा, ठीक। अब इसमें जो ऑक्सीजन का पॉइंट है यहाँ पे आप कर देना ऑक्सीजन, और आपका नंबरिंग वन से स्टार्ट यहाँ होगा, यानी ये पॉइंट आपके लिए क्या हो जाएगा बच्चों लोग, हो जाएगा पॉइंट वन, ये हो जाएगा पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर एंड पॉइंट फाइव। फाइव पॉइंट पे जो सी एच टू ओ एच लिंक है उसको आप टॉप पे दिखा दो, बस में। अब ध्यान देंगे, अब जो आपका जो स्ट्रक्चर में जो भी बॉन्ड राइट साइड में है, ये देखो ये बॉन्ड सब राइट साइड में है, तो राइट साइड का बॉन्ड सब आपका होगा नीचे की तरफ और लेफ्ट का बॉन्ड होगा ऊपर की तरफ। लेफ्ट साइड का बॉन्ड है लेफ्ट एंड राइट, राइट का सारा बॉन्ड क्या होगा नीचे के साइड में, नीचे के तरफ, यानी कार्बन वन पॉइंट पे राइट में एच है लेफ्ट में ओ एच है। तो यहाँ पे अब क्या करोगे, वन पॉइंट पे राइट का एच को नीचे दिखाओगे और लेफ्ट का ओ एच को ऊपर दिखाओगे, ठीक है। टू पॉइंट में क्या होगा, राइट में एच होगा, लेफ्ट में क्या होगा ओ एच होगा। थ्री पॉइंट पे क्या होगा, राइट में ओ एच है तो ओ एच नीचे होगा और लेफ्ट में एच है तो उसको ऊपर कर देंगे। फोर पॉइंट पे क्या होगा बच्चों लोग, फोर पॉइंट पे राइट में एच है लेफ्ट में ओ एच है ऐसे दिखा देंगे, और फिफ्थ पॉइंट का सी एच टू ओ एच को टॉप पे दिखाना और एच को नीचे दिखा देना है। तो ये हो जाएगा इसका पैरानोज स्ट्रक्चर। आप देखोगे, आप ऑप्शन को मैच करो अपने हिसाब से, तो फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट का ओ एच टॉप पे है, तो फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट का ओ एच टॉप पे कहाँ कहाँ दिख रहा है आप लोग को, तो ऑप्शन बी में और सी डी में ऐसा मुझे दिख रहा है। अब बाकी देखते हैं, थर्ड पॉइंट का ओ एच नीचे होना चाहिए, ठीक है, और फोर्थ पॉइंट का ओ एच कहाँ चाहिए, ऊपर होना चाहिए। तो करेक्ट फॉर्म जो होगा ये होगा ऑप्शन डी, यानी हमारे स्ट्रक्चर से डी मैच करेगा। इस तरीके से आप हेमिस्ट्रल फॉर्म को, यानी साइक्लिक हेमिस्ट्रल फॉर्म है उसको आप करेक्ट उसके पैरानोज स्ट्रक्चर में आप दिखा सकते हो। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में प्रोटोज में कुछ रिएजेंट से अटैक करवाया गया है और करस्पॉन्डिंग कंपाउंड बना के बोला गया आपको ए और बी को पहचानना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या जानना चाहिए हम लोग को, प्रोटोज का फिगर कैसा होता है। तो ध्यान देना, प्रोटोज में छह कार्बन का चेन होगा, ऊपर वाले टॉप में क्या होगा सी एच टू ओ एच होगा, सेकेंड पोजिशन में कीटोन ग्रुप होगा, फिर यहाँ पे बॉटम मोस्ट कार्बन में क्या होगा सी एच टू ओ एच होगा, और सारे जगह फिर क्या होगा एच ओ एच लगा रहेगा, ठीक। अब आप ट्रीट करते हो एस सी एन से, तो एस सी एन कहाँ पर अटैक करेगा, तो एस सी एन में होगा एच प्लस सी एन में टूटेगा और सी एन का अटैक होता है इस पॉइंट पे, इसको देखेंगे तो एक ऐसा बनेगा, तो सी एच टू ओ एच टॉप का तो रहेगा रहेगा, जहाँ पे कीटोन सिस्टम है वहाँ पे आपका सी एन जुड़ेगा और यहाँ पे ओ एच बनेगा उस पॉइंट पे, बाकी जगह पे तो एच ओ एच जो लगा हुआ था उसमें कोई चेंजेज नहीं है, उसे बने रहने दो। अब इसका हाइड्रोलिसिस करो तो क्या होगा, जो सी एन ग्रुप है आपको तो पता है कि साइनाइड का हाइड्रोलिसिस से क्या होता है, एक कन्वर्ट होता है खुद को सी ओ ओ एच में, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा, इस सिस्टम में जो सी एन ग्रुप दिख रहा है वो कन्वर्ट हो जाएगा सी ओ ओ एच में,
ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है इसका इसका फॉर्मूला क्या हुआ था ध्यान देना, फोटोज का फॉर्मूला क्या होता, तो ये क्या होता C6H12O6 होता है। एसियन में अल्टीमेटली क्या होगा, एसियन कंडीशन से हो गया बच्चे लोग, आपके पास कार्बन एक्स्ट्रा बन रहा है और कार्बन एक्स्ट्रा बनने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा जुड़ रहा है और दो हाइड्रोजन यहाँ और यहाँ ऐड हुआ है, एंड अल्टीमेटली आपका जो ए बनेगा उसमें C7 हो चुका होगा। आपके पास दो ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है तो पहले O6 था तो क्या होगा, O हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और हाइड्रोजन भी दो एक्स्ट्रा जुड़ रहा है मतलब H क्या हो जाएगा, तो C6H12 था तो H क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो C7H14O8 ठीक, तो ये आपका A होगा। अगर बात करते हैं NaBH4 क्या करेगा, तो NaBH4 क्या करता है, चलो जो कीटोन ग्रुप मुझे दिख रहा है इस कीटोन को चेंज करेगा अल्कोहल में, यानी पहले इस सिस्टम को ऐसा कुछ बनाएगा। बाकी फिगर में कोई चेंज नहीं हुआ तो बाकी फिगर को मैं वैसे ही छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे आपका OH बन जाएगा, यानी इसको रिड्यूस कर देगा कीटोन को। बाकी फिगर में मैं बस इसको दिखा रहा हूँ, बाकी फिगर अनचेंज है। और फिर डालोगे HI, तो HI रेड फॉस्फोरस क्या करता बच्चों लोग, तो जितना भी जगह जो भी ग्रुप है सबको भेज देगा कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन में। यहाँ पे आपके पास 6 कार्बन का चेन था तो सारे जगह का जो OH है उसको चेंज कर देगा कॉरस्पॉन्डिंग, हटा के H लगा देगा, यानी आपको बेसिकली 6 कार्बन का एक सिंपल अल्केन आपको मिल चुका होगा। इसका जो फॉर्मूला होगा C6 होगा और क्या होगा चलो होगा C6H14 BA होगा। अगर आप देखोगे तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, A का होगा C7H14O8 और B को होगा C6NH14, यानी आपका ऑप्शन A क्या होगा, करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन बेसिकली आपके बायोमॉलिक्यूल और ऑर्गेनिक रिएजेंट का एप्लीकेशन था। इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो अमाइलेज होता क्या था ना, आपका जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च के अंदर दो कंपोनेंट होता है, एक होता है अमाइलोज और एक होता है अमाइलोपेक्टिन। इसमें होता क्या है कि अमाइलोज एक लीनियर चेन की तरह होता है, तो आपके स्टार्च का 15-20% जो होता है वो अमाइलोज का पार्ट होता है, और अमाइलोपेक्टिन जो होता है अराउंड 80% के आसपास होता है, 80-85% होता है अमाइलोज पेक्टिन का। तो अमाइलोपेक्टिन क्या होता है, ब्रांच होता है इसमें, और इसमें अमाइलोज में क्या होता है, लीनियर चेन होता है, और इस चेन में अराउंड 200 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स बेसिकली 1,4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से कनेक्टेड होते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर इस असेसर में जाएंगे तो अमाइलोजी वाटर इनसॉल्युबल बोला हुआ है तो ये गलत है, क्योंकि अमाइलोज क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होगा, तो यानी आपका सेशन क्या होगा, असेशन हो जाएगा इनकरेक्ट। रीजन बात करते हैं तो हमारे जो लॉन्ग लीनियर मॉलिक्यूल विथ मोर देन 200 ग्लूकोज यूनिट, ए सही होगा, असेशन इनकरेक्ट होगा, रीजन सही होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा बच्चे लोग, तो ऑप्शन डी जो होगा वो होगा करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे, मिलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चे लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि एक पॉलीसेक्राइड एक्स है जिसको बॉल कर रहे हैं हम डायल्यूट H2O4 से एट 393 केल्विन टेम्परेचर एंड 223 एटीएम प्रेशर पे, तो इसमें वो आपको वाई मिल रहा है और वाई का ट्रीटमेंट कर रहे हैं विद ब्रोमीन वाटर तो गिव अ ग्लूकोनिक एसिड। तो समझना, कहीं ना कहीं हमको समझ में आ रहा है कि वाई जो है वाई होगा ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज को हम ट्रीट करते हैं ब्रोमीन वाटर से, तो मेरे को मिलता है ग्लूकोनिक एसिड। तो वाई अगर ग्लूकोज होगा तो हमको पता करना एक्स क्या होगा, और एक्स पॉलीसेक्राइड है तो मेरे को देखना पड़ेगा कि किस पॉलीसेक्राइड को हीट करने पे मेरे को ग्लूकोज मिलता है। और ये भी बोला हुआ है कि एक्स में जो कंटेंट करेगा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ऑनली होगा। तो ध्यान देना, आपको ग्लूकोज मिल सकता है स्टार्च से एंड सेलुलोज से, तो जो बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है वो सिर्फ होता है आपके सेलुलोज में, क्योंकि स्टार्च में क्या होता है, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। तो अगर आप देखोगे सेलोज का फिगर तो इसमें ओनली बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दिखेगा आपको। तो इस क्वेश्चन के कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ जो पॉलीसेक्राइड होगा वो होगा सेलोज, जिसको हम डालेंगे एंड हीट करेंगे और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको मिल जाएगा ग्लूकोज, और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से ब्रोमीन वाटर से मिल जाएगा मेरे को ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। तो बच्चों अगर इस क्वेश्चन में अगर ऐसा बोलता है कि पॉलीसेक्राइड के अंदर अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, उस केस में आपका आंसर हो जाता स्टार्च।
इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। ठीक है बच्चों लोग, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या है, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ कि एक एल आइसोमर ऑफ कंपाउंड C4H8O4 गिव अ पॉजिटिव टेस्ट विथ AgNH3 होल्टोइस प्लस। तो बेसिकली ये क्या होगा, टॉलिन टेस्ट दे रहा है। तो टॉलिन टेस्ट का रिएजेंट है तो टॉलिन टेस्ट देगा। अब ध्यान देंगे एल आइसोमर का मतलब क्या होता है, तो अगर ध्यान देना जब भी आप शुगर मॉलिक्यूल या फिर कार्बोहाइड्रेट का हम बात करते हैं तो उसमें एल आइसोमर का मतलब ये होता है कि जो बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर होगा, अगर इसको मान लेते हैं बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर है तो इसमें OH जो होना चाहिए वो लेफ्ट साइड होना चाहिए। तो अगर OH लेफ्ट साइड होगा बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर में तो उसको हम एल आइसोमर बोलते हैं, और अगर बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर में OH अगर राइट साइड होगा तो उसको हम डी बोलते हैं। तो ये डीएल नोमेनक्लेचर है बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर के बेसिस पे। तो चूंकि आपका एल आइसोमर है तो आप देखोगे ए बी सी डी ऑप्शन में बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर को मैं मार्क कर रहा हूँ, तो इसका बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर होगा ए का। बी ऑप्शन का बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर इसको बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे दोनों में OH लेफ्ट साइड है तो दोनों एल कॉन्फ़िगरेशन होगा। और ध्यान देंगे सी और डी में क्या है, आपका बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर का जो OH है वो राइट साइड है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम डी यूज करने वाले हैं। तो अगर हमको कंपाउंड ए को पहचानना है तो मेरे लिए ऑप्शन जो होगा ए और बी होगा जो हमारे लिए सही हो सकता है। तो मेरा फोकस सी ओ डी पे नहीं होने वाला है। अगला पॉइंट बोला है कि ट्रीटमेंट ऑफ ए विथ एसिटिक एनहाइड्राइड इन ट्राइसिटेट फॉर्म। तो ध्यान देना जब भी एसिटिक एनहाइड्राइड से हम ट्रीट करते हैं तो जो भी अल्कोहलिक ग्रुप होता है उसमें एच हटा के हम क्या ऐड करते हैं बच्चों लोग, उसमें एच हटा के हम सी ओ सी थ्री को ऐड कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर ट्राइसिटेट फॉर्म कर रहा है इसका मतलब आपके पास तीन ओ एच ग्रुप होगा। तो ध्यान देना ऑप्शन ए और बी दोनों में तीन ओ एच ग्रुप है जिसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, अब बोला गया है कंपाउंड ए प्रोड्यूस एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बी एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड सी ऑन ट्रीटमेंट विद ब्रोमीन वाटर एंड H3O रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ध्यान देंगे अगर हम ब्रोमीन वाटर का बात करते हैं तो अगर हमारा फोकस कंपाउंड ए है, ठीक है हमारा फोकस क्या बच्चों लोग कंपाउंड ए है, तो ध्यान देना कंपाउंड जो ए ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें अगर हम डालेंगे Br2 वाटर तो Br2 वाटर होता क्या है कि टॉप मोस्ट जो अल्डिहाइडिक पोजीशन है वो कन्वर्ट होता है एसिड में और बॉटम वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देख ध्यान देना यहाँ जो मेरा कंपाउंड बनने वाला है इसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होगा, यानी ये क्या होगा, ये होगा ऑप्टिकली एक्टिव। और इसी को हम ट्रीट करेंगे अगर हम नाइट्रिक एसिड साथ, तो नाइट्रिक एसिड करता क्या है कि टॉप का जो अल्डिहाइड पोजीशन है और बॉटम का जो अल्कोहल है दोनों को भेज देगा एसिड में। तो उस केस में क्या होगा, आपके फिगर में एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा आपको। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि आपका जो कंपाउंड होगा ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो अगर ए ऑप्शन वाले कंपाउंड को हम ट्रीट करते हैं Br2 वाटर से तो उस केस में जो प्रोड्यूस होगा उसमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री या कोई भी सिमेट्री एलिमेंट अब्सेंट है, यानी कंपाउंड क्या होगा ऑप्टिकल एक्टिव होगा। और उसको ट्रीट करते हो अगर आप नाइट्रिक एसिड से तो टॉप पॉइंट का जो अल्डिहाइड है और बॉटम पॉइंट का जो CH2OH है दोनों कन्वर्ट हो जाएगा CH में और ये हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो बच्चों लोग इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता हुआ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि माल्टोज हैज ए टू अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट लिंक एट C1 and C4 एंड इज रिड्यूसिंग इन नेचर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चलता है बच्चों लोग माल्टोज का फिगर कैसा होता है। तो माल्टोज का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रख दिया है, तो ध्यान देना माल्टोज में होता क्या है कि अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज पॉइंट नंबर 1 and 4 पे आपस में लिंक होता है थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो यानी आपका स्टेटमेंट 1 जो है, 1 का जो एक पहला लाइन है एक करेक्ट लाइन है। अगला पॉइंट बोला गया स्टेटमेंट 1 में कि रिड्यूसिंग हुआ कि नहीं हुआ, तो ध्यान देना जब भी हम लोग स्ट्रक्चर को चेक करते हैं तो आप चेक करना एक बार कार्बोहाइड्रेट्स में, अगर उसमें इस तरह का लिंकेज होगा, यानी इसको बोलते हैं हम लोग हेमीएस्टर लिंक, हेमीएस्टर लिंक अगर आपको दिख रहा है मतलब किसी भी कार्बन पे अगर OH हो और साथ में उसमें एक OR
ओ और कार्बन जैसा कुछ लिंक दिखे आपको, इस तरह का लिंक, यानी ओ एच और उसी कार्बन पे ओ सी ऐसा कुछ लिंक दिखे, तो बोलते हैं कि इसमें हेमिस लिंक होगा, और ए लिंक सिस्टम को रिड्यूसिंग बनाता है, यानी ये टॉलेंट टेस्ट या फेलिंग टेस्ट आपको देगा। तो ध्यान देना माल्टोज में, अब देखोगे तो माल्टोज में आपका ध्यान देना, आपका जो इस का रिंग का जो C1 पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे देखना O के साथ कार्बन जुड़ा हुआ, मतलब यहाँ पे हेमिस लिंक दिख रहा है मुझे, यानी ये रिड्यूसिंग होगा। ठीक, इसका मतलब आपका स्टेटमेंट वन जो है फुली करेक्ट है। इसी मैं और ऐड करना चाहता हूँ, आपको ध्यान देना जितना ही मोनोसैकेराइड्स है सारा रिड्यूसिंग होता है पता है, और जितना भी डाइसैकेराइड्स होता है वो सारा का सारा रिड्यूसिंग होता है, उसमें एक्सेप्शन बस दो ही है, एक है सुक्रोज है, एक है टिरी हलोज। तो डाइसैकेराइड्स में सुक्रोज एंड टिरी हलोज, ये दो डाइसैकेराइड होता है जो रिड्यूसिंग नहीं होता, बाकी सारा डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग होगा। और जितना ही पॉलीसैकेराइड्स होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, स्टार्च हो गया, ऑल आर नॉन रिड्यूसिंग। तो सिंपल है, जब भी रिड्यूसिंग और नॉट से बात बोले तो आपका जितना ही मोनोसैकेराइड से सारा रिड्यूसिंग होगा, जितना भी डाइसैकेराइड से रिड्यूसिंग होगा एक्सेप्ट सुक्रोज एंड ट्री हैलोज, और जितना ही पॉलीसैकेराइड्स होता है जस्ट लाइक स्टार्च सेलुलोज, ये सब का सब क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा। ठीक है, तो आपका स्टेटमेंट वन क्या बच्चे लोग, ए वन क्या होगा, करेक्ट होगा। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है कि माल्टोज है टू मोनोसैकेराइड्स अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ये गलत है क्योंकि अल्टीमेटली माल्टोज में क्या है बच्चों, दोनों साइड अल्फा डी ग्लूकोज ही तो है, और लिंकेज कहाँ, 1:4 पे है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ, 1:6 पे, जो कि गलत है। प्लस नॉन रिड्यूसिंग बोल रहा है, ये भी क्या है, गलत है। यानी आपका स्टेटमेंट टू फुल्ली इनकरेक्ट है, इसमें कोई पॉइंट ऐसा नहीं मैं बोल सकता हूँ कि कोई करेक्ट है। इसका मतलब आपका जो ऑप्शन जो करेक्ट होने वाला है ये होगा सी, यानी आपका स्टेटमेंट वन ट्रू है बट स्टेटमेंट टू क्या है, फॉल्स है। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन का एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके पास एक सुगर मॉलिक्यूल एक्स दिया हुआ है जिसको हम बॉयल करते हैं डायल्यूट H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक सॉल्यूशन, तो दो आइसोमर ए और बी बनता है, जिसमें ए का ऑक्सीडेशन करेंगे विथ नाइट्रिक एसिड तो प्रोड्यूस होता है सैक्रिक एसिड, और बी के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ कि बी इज लेबोरेटरी, तो आपको बोला गया है कंपाउंड एक्स को पहचानना है। तो ध्यान देना इस क्वेश्चन में अगर हम इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक हिंट मिलेगा आपको, ए का ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस होना सैक्रिक एसिड, तो कहीं ना कहीं हमको हिंट मिल रहा है कि ए ग्लूकोज हो सकता है। ठीक है, और बी जो है ग्लूकोज का आइसोमर है, तो ग्लूकोज का आइसोमर फ्रुक्टोज पॉसिबल है, तो बी के बारे में हम बात कर सकते हैं कि बी फ्रुक्टोज हो सकता है, और फ्रुक्टोज जो होता है वो लिबोरोटेटरी होता है, और ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलता है किसका हाइड्रोलिसिस से है, तो अगर हम सुक्रोज को ब्रेक करेंगे तो मेरे को ग्लूकोज फ्रुक्टोज मिलता है। तो इन सारे आइडिया को क्लब करके हम देखें, तो ध्यान देना आपके पास सुक्रोज मॉलिक्यूल होगा, उसको हाइड्रोलाइज करने से क्या मिलेगा, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलेगा। अब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है सैक्रिक एसिड, तो यानी ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है अपने पास। अब ध्यान देंगे तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से मिल गया सैक्रिक एसिड, प्लस जो फ्रुक्टोज है वो होता है लिबोरोटरी। ठीक है, तो ये हमारे सारे कंडीशन से मैच करेगा, यानी जो आपका शुगर का मॉलिक्यूल एक्स होगा जो कि अननोन है वो होगा सुक्रोज। तो आपका ऑप्शन जो बी होगा, आपका ऑप्शन बी होगा करेक्ट। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन का एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जब भी हम प्रोटीन का डीनेचुरेशन करते हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर जो होता है रिमेन इंटैक्ट रहता है। ध्यान देना, जब भी हम डीनेचुरेशन करते हैं प्रोटीन का, तो उसका सेकेंडरी टर्शरी इन क्वार्टरी स्ट्रक्चर क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है, बट उसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है, यानी जो अमाइड लिंकेज किस तरीके से किया गया है या जिस सिक्वेंस में आपके पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, वो रिमेन इंटैक्ट रहता है, यानी उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो रिमेन इंटैक्ट रहेगा। ठीक है बच्चों लोग, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, एनसीईआरटी बेस्ड था, ऐसा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, उसका स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करता है। ध्यान देना, इसको बेटर तरीके से आप समझ सकते हो अगर इसके फिगर को देखो, तो जो अल्फा हेलिकल शेप होता है, तो आपको पता है प्रोटीन में क्या होता है, अमाइड लिंकेज होता है, तो प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड में क्या होता है, अमाइड लिंकेज होगा,
तो एन से एच जुड़ा होता है और सी ओ रहता है, तो इस चेन में एक कार्बन का जो ओ है तो दूसरे नाइट्रोजन के एस से क्या हो, एच बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे बहुत सा एच बॉन्ड जो होता है इस हेलिकल शेप को क्या करता है, स्टेबल रखता है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा एच बॉन्ड इंट्रैक्शन जो हेलिक्स को स्टेबल रखेगा। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन पूछा आपसे कि कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है रिमेन अनअफेक्टेड होगा बाय हीटिंग। तो हीटिंग का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे कर रहे हैं डीनेचुरेशन प्रोसेस। तो जब भी हम प्रोटीन का डीनेचुरेशन करते हैं उसमें उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है इंटैक्ट रहता है, यानी इसका मतलब होगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, चलो सी होगा। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मिलते हैं लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि एक लीनियर टेट्रापेप्टाइड है जो अलग अलग अमीनो एसिड से बना हुआ है, ठीक है। तो ध्यान देंगे टेट्रापेप्टाइड का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है चार अमीनो एसिड इसमें होगा। चूंकि अमीनो एसिड डिफरेंट है, यहां पे आपके पास चार डिफरेंट अमीनो एसिड होने वाला है, ठीक है, चार डिफरेंट अमीनो एसिड होने वाला है, प्लस जितना अमीनो एसिड होता है उससे एक कम होता है आपका पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो चार अमीनो एसिड अगर एक पेप्टाइड लिंक क्रिएट करेगा उसको बोलते हैं टेट्रापेप्टाइड, और उसमें पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर कितना होगा, तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा एक कम, पेप्टाइड बॉन्ड होता है तो नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितना होगा, तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड माइनस वन, यानी ये इसमें हो जाएगा 4-1 यानी 3 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का डिमांड क्या बच्चे लोग, आपको निकालना था नंबर ऑफ अमीनो एसिड जो हम बता चुके हैं कितना होगा बच्चे लोग इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में होगा 4, और माइनस नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड जो कि होगा 3। तो 4-3 कितना होगा बच्चे लोग, तो होगा आंसर इसका 1। तो बहुत बेसिक लेवल पे क्वेश्चन पूछा गया था, और इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ आप बने रहेंगे, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग यहाँ पे एक कोड वर्ड लिखा हुआ है और बोला है कि इसमें कितना पेप्टाइड लिंकेज है, ध्यान ना इस कोड वर्ड को हम अगर एनालाइज करते हैं तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कितना अमीनो एसिड लिंक है, तो ध्यान ना ये रिप्रेजेंट करेगा अलानाइन को, ये रिप्रेजेंट करेगा ग्लाइसिन को, यहाँ रिप्रेजेंट करेगा ल्यूसीन को, और फिर से ये होगा अलानाइन, और ये होगा लास्ट में होगा वैलिन। तो टोटल आपके पास 5 अमीनो एसिड है जो इसमें जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि 5 अमीनो एसिड जुड़ा होगा तो उसमें कितना पेप्टाइड लिंकेज क्रिएट होगा, तो जितना अमीनो एसिड होता है उससे पेप्टाइड बॉन्ड का नंबर एक कम होता है, तो इसमें पेप्टाइड लिंकेज का नंबर जो होगा बच्चे लोग ये होगा 4। जितना अमीनो एसिड होगा उससे एक कम बनता है आपका पेप्टाइड बॉन्ड, इसका आंसर होगा बच्चे लोग 4। बच्चे लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चे लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे आपके पास चार कंपाउंड्स लिखा हुआ है और इसमें बोला है कि कौन कौन सा बायोरिएक्टर टेस्ट देगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे जो बायोरिएक्टर टेस्ट होता है वो बेसिकली वही देता है जिसके पास पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज होगा वही वहीं पे मिलेगा मेरे को बायोरिएक्टर टेस्ट। तो सिंगल अमीनो एसिड कभी भी नहीं देगा, यानी ग्लाइसिन नहीं देगा, बायोरेट नहीं देगा। तो ट्राइपेप्टाइड का मतलब इसमें 3 अमीनो एसिड है और 2 पेप्टाइड लिंकेज है, तो चूंकि पेप्टाइड लिंकेज है तो टेस्ट को देगा, और ग्लाइसिन और अलानाइन से मिलके बना हुआ है आपके पास डाइपेप्टाइड, ठीक है, तो ये टेस्ट को ये भी देगा, तो ये दोनों जो है टेस्ट को देगा, तो इसका आंसर जो बच्चे लोग ये होगा 2। तो बच्चे लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चे लोग इस क्वेश्चन से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल है बट आप एक्सक्रेशन में जल्दी पास नहीं हो पाता है। तो ध्यान देना इसका ऑप्शन होगा डी विटामिन B12। तो ध्यान देना विटामिन जो B12 है वाटर सोल्यूबल होता है बट एक्सक्रेशन में इजीली पास नहीं होता, से रीजन है कि आपके लिवर में स्टोर होता है,
आपका लीवर बीट को स्टोर करता है और जब भी आपके बॉडी को नीड होता है तो इसको सप्लाई करता है। ठीक है बच्चों लोग, तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। और इस तरह के फैक्ट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन से पूछ रहा है कि डीएनए आरएनए में कौन सा शुगर मौजूद होता है। ठीक है, ध्यान देंगे, डीएनए में मौजूद होता है बीटा डी टू डी ऑक्सीराइबोज, ये होता है आपका डीएनए का पार्ट होता है, और आरएनए में होता है बीटा डी राइबोज। तो दोनों को अगर तुम देखोगे इसमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है इस पॉइंट पे, इस टू पॉइंट जो ओ एच है, यहाँ पे जो ओ है ये आपके डीएनए एनी वाले शुगर में यानी बीटा डी डीऑक्सीराइबोज में नहीं होता है, बाकी सारा चीज़ सिमिलर होता है। ठीक है, तो और आप देखोगे तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो डीएनए में क्या होता है बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज होता है, और आरएनए में क्या होता है बीटा डी राइबोज होता है। ऑप्शन डी क्या होगा आपके लिए करेक्ट होगा। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे से जुड़े रहे, मिलते हम लोग वाले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपसे जो क्वेश्चन दिया उसे में आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोटाइड फॉर्म फ्रॉम अ बेस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन आरएनए। तो आरएनए में कौन सा बेस है जो से प्रेजेंट होता है, इसका नाम है यूरासिल। अब ध्यान देंगे आपके सामने मैंने एक फिगर दिखा रहा हूँ जो कॉमन न्यूक्लियोटाइड का, तो न्यूक्लियोटाइड बनता किससे बच्चों लोग, इसमें इन इस न्यूक्लियोटाइड के फिगर में एक शुगर मॉलिक्यूल होगा जिसके 5 पॉइंट पे फॉस्फेट लिंकेज है और 1 पॉइंट पे बेस अटैच है। तो ध्यान देंगे ये बेस कौन सा है, बेस है यूरासिल। अब मुझे इसमें ऑक्सीजन का नंबर काउंट करना है, तो बेस के अंदर 2 ऑक्सीजन है, उसके बाद है ना शुगर में देना, तो शुगर वाले पार्ट में 1 2 3, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, और जो फॉस्फेट लिंकेज उसमें कितना ऑक्सीजन है, तो 1 2 3 4। तो इन सारे ओ को अब ऐड करोगे तो 4 होगा फॉस्फेट, यहाँ इस पॉइंट से आएगा 4 ऑक्सीजन, इस पॉइंट से आपके पास आएगा बच्चों लोग 3 ऑक्सीजन, और यहाँ से 2 ऑक्सीजन, तो क्या होगा टोटल ऑक्सीजन का नंबर कितना हो जाएगा, 9। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों लोग, तो इसका आंसर होगा 9। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, आपके लेफ्ट साइड में कुछ अमीनो एसिड का लिस्ट है, राइट में क्या है 1 लेटर कोड वर्ड है, तो आपको उस अमीनो एसिड के उसके कोड वर्ड से लिंक करना है। तो सिंपल ये क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी के टेबल के पे ऊपर बेस्ड है, तो एनसीईआरटी टेबल में चलते हैं, पहला लिस्ट में है ग्लूटामिक एसिड, फिर ग्लूटामाइन है, तो ग्लूटामिक एसिड का जो कोड वर्ड क्या होता है बच्चों लोग, होता है ई, ग्लूटामाइन का कोड वर्ड क्या होता है बच्चों लोग, क्यू, ENQ। ठीक है, अगला है ट्रायोसिन, ट्रायोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, तो ट्रायोसिन ध्यान देना, ट्रायोसिन यहाँ पे कोड वर्ड क्या दिख रहा है बच्चों आप लोग को, वाई, एंड ट्रिप्टोफैन का कोड वर्ड क्या दिख रहा है हम लोग को, डब्लू, यानी EQYW। तो ग्लूटामिक एसिड का क्या हो बच्चों लोग, इसका होगा ई, ग्लूटामाइन का क्या हो बच्चों लोग, क्यू, ट्रायोसिन का क्या होने वाला है बच्चों लोग, ट्रायोसिन का होने वाला है अपना वाई, इसके लिए होगा वाई, और ट्रिप्टोफैन का क्या हो चलो होगा W। यानी अगर आप ऑप्शन देखो तो A के लिए होगा 3, तो A के लिए 3 है, B के लिए क्या हो चलो होगा, B के लिए 1, A का 3 B का 1, तो ये बस ऑप्शन A में दिख रहा मुझे, तो A का 3 B का 1, फिर C का क्या होगा, C का 4 और D का 2। ये था करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का। बच्चों लोग ये क्वेश्चन सिंपली आपके एनसीईआरटी टेबल पे अमीनो एसिड के कोड पे लिंक है, तो कोड को याद करना है क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आप इजीली टैकल कर पाओगे। तो बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपके लेफ्ट साइड में कुछ अमीनो एसिड्स दिया हुआ है और राइट साइड में 1 लेटर कोड वर्ड लिखा हुआ है, और इसको हमको मैच करना है। इसको मैच करने में सिंपल आपको एनसीईआरटी का अमीनो एसिड का टेबल पता होना चाहिए। ध्यान देंगे यहाँ पे आपको मैं टेबल के पास लेके चलता हूँ, तो अपना जो अमीनो एसिड है पहला है RG9, उसका कोड वर्ड क्या होता है ध्यान देना, तो टेबल को दिख जाएगा RG9 का कोड वर्ड क्या होता है बच्चों लोग, ये होता है R। अगला था लिस्ट में एस्पार्टिक एसिड, उसके लिए कोड वर्ड क्या हुआ है, D है। ठीक, नेक्स्ट था एस्पराइन, उसके लिए कोड वर्ड क्या होगा बच्चों लोग, उसके लिए कोड वर्ड होगा N, और उसके बाद था अलानाइन, उसके लिए कोड वर्ड क्या होगा बच्चों लोग, ये होगा A। अब जाते हैं ध्यान देना, आर्जेनिक के लिए क्या हो गया बच्चों लोग, आर हो गया,
एस्पार्टिक एसिड क्या हो चलो इसके लिए डी हो चुका है, एस्प्रागैन के लिए क्या हो चुका चलो ए हो चुका है एन, और एलन के लिए क्या हो चुका है ए हो चुका है। तो अब अगर ऑप्शन आप देखोगे तो ए के लिए होगा 4 ठीक, और बी के लिए क्या हो जाए चलो बी के लिए होगा 1, ए का 4 बी का 1 ठीक, सी के लिए क्या होगा सी के लिए होगा 2, ए 4 बी 1 सी 2 आपको कहाँ दिख रहा है, और इसके बाद डी के लिए क्या हो चलो डी के लिए हो जाएगा 3। तो ऑप्शन डी जो होगा ये होगा करेक्ट मैच। यानी अब ध्यान देना रिसेंट में जो भी है प्रोटीन्स या अमीनो एसिड पे जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टेबल से घुमा फिरा क्वेश्चन कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है, आपको फोकस क्या करना है टेबल को थॉरली स्टडी कर लेना है। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि मैच द कॉलम करना है, तो ध्यान देना बेसिक कुछ रिएक्शन दिया हुआ है और आपको बताना है कि रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होगा। तो ध्यान देंगे तो ये सारा चीज़ आपके एनचार्ट से बाहर का नहीं है, तो एनचार्ट में सारा चीज़ मेंशन किया हुआ है। तो सुक्रोज जब ब्रेक करता है ग्लूकोजन फ्रुक्टोज में तो उसके लिए हमको एंजाइम जो चाहिए होता होता है इन्वर्टेज, यानी आपका ए के लिए होगा 3 ठीक है, और ग्लूकोज जो फर्दर कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल एंड सी ओ टू में तो उसके लिए हम लोग जो यूज करते हैं एंजाइम होता है जाइम्स ठीक है, जाइमेज जाइमेज। तो बी के लिए होगा 1। अब ध्यान ना स्टार्च को जब हम माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं स्टार्च को माल्टोज में तो उसके लिए हम एंजाइम करते हैं डायस्टेज यूज करते हैं, यानी ए के लिए 3 ठीक है, बी के लिए 1 सी के लिए 4 ठीक है, और प्रोटीन्स को भेजना होता है अमीनो एसिड में उसके लिए हम यूज करते हैं पेप्सिन, तो डी के लिए होगा 2। आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा डी, यानी इसमें सारा मैच जो है वो करेक्ट है। ठीक है बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ बने रहे, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा आर्जिनाइन के बारे में ट्रू नहीं है, तो ध्यान देंगे आपको पता है कि आर्जिनाइन एक अमीनो एसिड है, तो अमीनो एसिड के पास क्या होता है एक COH ग्रुप होगा और एक NH2 तो होता ही है, साथ में एक R ग्रुप है जिसके अंदर कुछ और भी हो सकता है। आर्जिनाइन का R ग्रुप क्या हो सकता है वो आपको टेबल जब एनसीईआरटी टेबल देखोगे तो वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि आर्जिनाइन का R ग्रुप क्या हो सकता है ठीक। इस R ग्रुप में कुछ भी हो लेकिन ध्यान देना यहाँ पे NH2 और COH है, तो NH2 और COH होता है तो इसमें क्या होता है इसमें आपका जो अमीनो एसिड होता है हाईली पोलर होता है, क्या होता है हाईली पोलर होता है। अभी पोलर होगा तो इसका जो सॉल्विटी है बेंजीन, बेंजीन कैसा सॉल्वेंट है चलो ये होता है नॉन पोलर, तो इसमें तो नहीं घुलेगा, इसमें तो नहीं घुलेगा क्योंकि आप लोग पढ़े हो लाइक डिजॉल्व लाइक, तो पोलर चीज पोलर में घोलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें ऑप्शन बी होगा जो ट्रू नहीं होगा, यानी आपका जो आंसर होगा बी होगा। बाकी सारे स्टेटमेंट को हम चेक कर लेते हैं, तो अमीनो एसिड ध्यान देना उसके पास मासेस ज़्यादा होता है प्लस पोलर होता है, प्लस इसमें क्या होता है कहीं ना कहीं ड्यूटेरॉन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, इन सारे कंडीशन होने के कारण इनके बीच का जो इंट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है थोड़ा सा हाई होता है इनके पार्टिकल्स में, इसके कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा हाई होगा ठीक है, एक करेक्ट रहेगा। इसके अलावा क्योंकि इसमें एक एसिडिक ग्रुप है एक बेसिक ग्रुप है, तो अगर आप देखोगे तो इसमें 2 पी के वैल्यूज के लिए एसोसिएटेड हो रहेगा, तो इसे मोर देन 1 पी के वैल्यूज में मिलता है ठीक, और चूंकि इसमें आयनिक फॉर्म भी कुछ है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, यानी ए सी और डी है जो आर्जिनाइन यानी अमीनो एसिड के लिए ट्रू होगा, तो इसे आर्जिनाइन नहीं ये सारे अमीनो एसिड्स पे ट्रू होगा, जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उसके लिए ट्रू रहने वाला स्टेटमेंट है जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं ठीक। इसमें कौन सा ट्रू नहीं था, तो बेंजीन जो कि नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है उसमें ये डिजॉल्व नहीं करता है ठीक है। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन आपसे पूछ कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो सल्फ जो आपके प्रोटीन्स के सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज नहीं करता, तो ध्यान देना ये सिंपली आपका आपको पता होना चाहिए इनसाइड में लिखा भी हुआ है कि प्रोटीन के सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, डाइसल्फाइड लिंकेज होता है जो भी उसको स्टेबल करता है, प्लस वांडरवाल फोर्स है वो भी स्टेबल करता है, ये पेरोक्साइड लिंकेज है जो कहीं मेंशन नहीं किया हुआ और होता भी नहीं है, यानी जो पेरोक्साइड लिंकेज है मेंशन किया हुआ है ये प्रोटीन के सेकेंडरी इंटरस्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी के रिस्पॉन्सिबल
नहीं होता, यानी इसका ऑप्शन ए जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, आप ऑप्शन ए को टिक करोगे। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में कुछ अमीनो एसिड्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है किसमें सल्फर मौजूद होगा। बता देंगे हम, चलते हैं अमीनो एसिड्स का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसमें एक COH होता है, यहाँ पे CH होगा, और अब यहाँ पे एक अल्काइल यानी यहाँ पे R ग्रुप हम जोड़ सकते हैं, और यहाँ पे NH2। तो अमीनो एसिड इस तरह का होता है। अब जो भी सल्फर होगा इस R ग्रुप के अंदर होगा। तो ये जो R ग्रुप है आपके NCERT के टेल में दिया हुआ अच्छे से है, तो आप देना, हम लोग चलते हैं NCERT टेल पे, वहाँ देखते हैं कि इस R में कहाँ कहाँ S है। तो पहला क्या अपने पास है, आइसोल्यूसाइन, सिस्टीन, लाइसिन, मिथुनिन एंड ग्लूटामिक एसिड। तो ध्यान देंगे इन सारे की लिस्ट में हम लोग चलते हैं करें। तो पहला अपना है आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन यहाँ देख रहे हैं हम लोग, इसमें कहीं मुझे एस नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ सल्फर नहीं होगा। ठीक, अगला बच्चों लोग आइसोल्यूसिन के बाद क्या है, सिस्टीन है। सिस्टीन यहाँ दिख रहा है हम लोग को बच्चों लोग, सिस्टीन में सल्फर मुझे दिखा, यानी यहाँ सल्फर मौजूद होगा। ठीक, नेक्स्ट क्या लिस्ट में था बच्चों लोग, लाइसिन। लाइसिन यहाँ देखिए, लाइसिन में सल्फर नहीं है। नेक्स्ट ध्यान देंगे, अगला था मिथियोनाइन, इसमें चेक कर लेते हम लोग। तो मिथियोनाइन में देखोगे चलो यहाँ पर सल्फर आपको दिखेगा। नेक्स्ट ध्यान देना, लास्ट जो है ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड का जो आर ग्रुप है हम लोग को यहाँ दिखेगा, तो इसमें भी सल्फर नहीं दिखेगा आपको। यानी यहाँ पे जो भी पांच अमीनो एसिड लिखा हुआ है उसमें दो में सल्फर है, बाकी में सल्फर नहीं है। सल्फर किस किस में है, तो सिस्टीन में है, सिस्टीन में है, और मिथुनाइन में है, यानी बी एंड डी में सल्फर होगा, बाकी में सल्फर नहीं होगा। यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ए। तो चलो एनसीटी का जो टेबल यहाँ मेंशन किया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। आप लोग को 2022 एंड 2023 के क्वेश्चन को एनालाइज करना है, उसमें जिस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टेबल से उसको देखना है, उसके अकॉर्डिंग टेबल को अपने आप को याद करना है। बच्चों लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि गिवन जो भी कंपाउंड दिया हुआ है इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो बेंडिंग सॉल्यूशन से पीपीटी नहीं प्रोड्यूस करेगा। यानी आपसे सिंपली पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा सुगर्स है जो कि होगा नॉन रिड्यूसिंग। तो ध्यान देंगे आपका जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा तो इसमें से होगा, एक होगा सुक्रोज और एक होता है अमाइलोज। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा टू। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे बस ये पूछा था कि आपको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर आपको आता है समझ में कि नहीं आता है, क्योंकि जो रिड्यूसिंग शुगर होगा वो बेंडिक्स सॉल्यूशन के साथ ओरिएंटेड पीपीटी फॉर्म करेगा, और जो नॉन रिड्यूसिंग होगा वो पीपीटी फॉर्म नहीं करेगा। तो बच्चों लोग इस तरह के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन। आपके सामने कंपाउंड दिया हुआ है C6H5O5, और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि टेट्रा एसीटेट देता भी HE2O, यानी फिगर में चार OH होना चाहिए। ठीक, एन ऑक्सीडेशन ऑफ ए विथ Br2 वाटर गिव्स एसिड। तो Br2 वाटर ऑक्सीडाइज करता है आपके एल्डिहाइड ग्रुप को, यानी फिगर में आपका एल्डिहाइड होना चाहिए। और हम रिडक्शन करते हैं ए का विथ HI, तो आपको बनता है आइसोपेंटेन, यानी ये फिगर ऐसा कुछ बनेगा, आइसोपेंटेन बन जाएगा। तो पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है, ध्यान देना आपका ऑप्शन ए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कीटोन है। ठीक है, ऑप्शन डी नहीं हो सकता कि इसमें भी क्या है बच्चों, कीटोन है। हमको ढूंढना है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कहाँ है, बी एन सी में। प्लस बोला हुआ है कि अगर हम HI से अगर हम इसको रिड्यूस करेंगे तो आपका आइसोपेंटेन बनना चाहिए। तो बी में अगर आप देखोगे तो बी में आइसोपेंटेन का पॉसिबिलिटी नहीं है। बी में सिंपली क्या होगा, आपका पांच मेंबर का अल्केन बन जाएगा, यानी बन जाएगा नॉर्मल पेंटेन। तो इसलिए हम लोग बी को भी हटा सकते हैं। तो आपका जो बेस्ट पॉसिबल इसका आंसर होगा ये होगा आंसर सी। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली ये आपका जो रिएजेंट मेंशन किया हुआ है बायो मॉलिक्यूल चैप्टर में उसका एप्लीकेशन है, और थोड़ा सा आपको लॉजिक बस लेके फिगर को आप डिड्यूज कर सकते हो। ठीक है बच्चे लोग, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन सामने। का सेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है,
इसमें पहला स्टेटमेंट है कि कीटोज फॉर्म जो है ये करस्पॉन्डिंग टेस्ट जो है वो फास्टर देता देन अल्डोज। तो ध्यान देना ये आपके एनसेट से बियॉन्ड का कंटेंट है, तो ये जो स्टेटमेंट है आपका करेक्ट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रीजन का, तो ध्यान देंगे जो रीजन होता है इसमें बोला हुआ है कीटोज अंडरगो बीटाइलेशन फॉलो बाय द फॉर्मेशन ऑफ फुरफुरल। ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है, यानी आपका सेशन सही है और आपका रीजन गलत है। तो आप देखोगे तो आपका जो सी ऑप्शन होगा इसके अकॉर्डिंग सही रहेगा। ठीक है, सेशन करेक्ट है बट रीजन इज फॉल्स। तो बच्चों लोग हम मिलते हैं अगले बच्चों क्वेश्चन आपके में। सामने तो क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ यहाँ पे बेसिकली आपको मैच करना है गिवन फिगर को उसके नाम के साथ। तो जो आपका ऑप्शन ए दिख रहा है बच्चों लोग, ये आपका अल्फा ग्लूकोज का पायरानोज फॉर्म है, तो आपका जो ए होगा ए थ्री के साथ मैच करेगा। ठीक है, और बी जो होगा बेटा फॉर्म है तो इसको मैच करवा दोगे आप फोर के साथ। तो ए का थ्री होगा और बी का क्या होगा फोर होगा। तो ए का थ्री बी का फोर, आपके पास ऑप्शन ए और सी दोनों जगह है। सी ध्यान देना, सी जो होगा सी अल्फा फॉर्म है मैच करेगा ए के साथ। प्रोटोज का फ्रोनोज फॉर्म में ये अल्फा फॉर्म है, इसका मतलब सी का क्या होगा, तो सी का होगा वन और डी का होगा टू। इसका करेक्ट जो होगा सॉल्यूशन इसका होगा ऑप्शन सी। तो इसमें आपको बेसिकली आपको प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग उसका नाम याद होना चाहिए था, तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं हम लोग अगले बच्चों लोग आपसे क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि सिक्स मेंबर्ड पारानोज फॉर्म ड्रॉ करना है इस कोरस्पॉन्डिंग सुगर का। तो ध्यान देना जब भी हम पारानोज फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपका इस एल्डिहाइडिक मॉलिक्यूल पे हम इसको वन मानते हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, ये इस ओ से हम अटैक करवा के इसको चेंज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यानी ये जो सिक्स नंबर का ओ है ये कनेक्ट होगा कार्बन नंबर वन से, तो आपका रिंग का साइज बनेगा सिक्स मेंबर। अब ध्यान देना पारनोज फॉर्म में जो भी ओ एच आपका लेफ्ट साइड होता है, तो कार्बन टू थ्री पे आपका ओ एच लेफ्ट साइड है, तो जो ओ एच लेफ्ट साइड होता है वो ऊपर की तरफ हम दिखाते हैं, यानी रिंग में अगर हम ड्रॉ भी करेंगे तो उसका ऊपर अपवर्ड एरिया में, यानी रिंग को हम ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ रिंग इस तरह का अगर ड्रॉ किया जा रहा है तो रिंग का ऊपर की तरफ में होगा लेफ्ट साइड का ओ एच। ठीक है, और राइट का जो ओ एच होगा जो कार्बन फोर फोर पे राइट से का ओ एच है वो रिंग के नीचे के साइड दिखाया जाता है। ठीक है, अब देखोगे इस रेफरेंस हम अगर देखते हैं तो आप देखना ऑप्शन ए में ए कार्बन नंबर आपका वन है, ए टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है। तो टू और थ्री का जो ओ एच है वो ऊपर अपवर्ड है, जो हमारे इस इन्फरेंस से मैच कर रहा है। ठीक है, बाकी कहीं भी टू और थ्री का ओ एच कहीं भी ऊपर मुझे दिख नहीं रहा है, इसका मतलब इसका जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा ये होगा ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों लोग, तो इस तरह के कंटेंट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, मिलते हैं हम लोग बच्चों लोग अगले आपके क्वेश्चन सामने में। इस क्वेश्चन क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि आपका एक एल आइसोमर्स ऑफ टेट ट्रोज का फॉर्मूला दिया हुआ है C4H8O4, और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि ये पॉजिटिव स्किप टेस्ट देता है, इसमें दो कायरल सेंटर है और एसिटाइलेशन के बाद इसमें ट्राइसिटेट आपको मिलेगा, और एक्स जो है नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडाइज भी होगा और ए बनेगा, और इसको आप रिड्यूस भी कर सकते हो NaBH4 से, आपको बी मिलेगा और बी जो है कायरल है, बी जो है कायरल है। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे पूछा गया है कि इस आइसोमर जो है एक्स, आपको एक्स को पहचानना है। तो ध्यान ना इसमें पहला बोला गया है कि आपके पास दो कायरल सेंटर है, दो कायरल सेंटर जो दिखेगा बच्चे लो, तो आपका ऑप्शन जो ए और सी है, इस ए और सी में आपके पास तीन तीन कायरल सेंटर है। ठीक है, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, तो दो कायरल सेंटर के बेसिस पे हम लोग बोल सकते हैं कि आपका या तो ऑप्शन बी होगा या तो डी होगा। ठीक, अब ट्राइसेट का मतलब है उसमें तीन ओ एच होना चाहिए, क्योंकि जितना अल्कोहल होगा उतना ही आपका Ac2O मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है। ठीक है, यानी RO CO CH3 अटैचमेंट आपके ओ एच के नंबर पे डिपेंड करता है, तो ट्राइसेट मतलब तीन ओ एच होगा, तो तीन ओ एच आपका ऑप्शन बी में भी है और डी में भी है। ठीक है, हमको देखना कि बी और डी में से ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको यूज करके हम बी और डी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो ध्यान देना अगर आप NaBH4 से रिड्यूस करते हो तो रिड्यूस होने के बाद जो बी कंपाउंड बनेगा वो कायरल होना चाहिए। तो अगर इसको हम देखेंगे तो इसको अगर आप रिड्यूस करोगे तो
ऊपर जो है अल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, नीचे में कोई चेंज नहीं है, तो आप देखोगे कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, एक कायरल होगा, ठीक है। यही काम अगर हम ऑप्शन डी के साथ करें तो ध्यान देंगे डी वाले केस में जो कंपाउंड बनेगा ये ऊपर सी एच टू ओ एच हो जाएगा, आपका जो अल्डिहाइड है वो रिड्यूस होकर अल्कोहल में जा चुका होगा, और यहाँ पे ओ एच है एच है, यहाँ भी ओ एच है एच है, और नीचे सी एच टू ओ एच होगा। तो ध्यान देना इसमें आपको एक प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखेगा, इसमें कायरल सेंटर है बट आपके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है पी ओ एस है। अब इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण एक कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है, यानी कायरल मॉलिक्यूल्स को हम नहीं बोलेंगे। इसलिए जो आपका एक्स के लिए बेस्ट फिगर हो सकता है ये होगा आपका ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में आपका बा मॉलिक्यूल का भी कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनिक का जो भी आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़े उसका भी इसमें यूज किया हुआ है, यानी इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एप्लीकेशन से क्वेश्चन आपका बन रहा है। तो बा मॉलिक्यूल में समटाइम क्वेश्चन क्या होता है कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो उसको इंटरलिंक करके क्वेश्चन देता है। इस तरह के इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने एक डी प्लस ग्लिसरीडिहाइड मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो इसके फिगर को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो आपके पास एक अल्डिहाइड होगा और नीचे वाले में सी एच टू ओ एच होगा, और चूंकि आपका डी है तो यहाँ का जो ओ एच होगा राइट साइड में होगा। इसे फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, इसमें डालते हैं हम लोग एस सी एन। तो एस सी एन के एडिशन से अल्डिहाइड में साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे सी एन को जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ओ एच बनेगा तो ओ एच का पोजिशन आप राइट भी ले सकते हो और लेट भी ले सकते हो, ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी बनने वाला है, तो दोनों को मैं दिखाऊंगा आपके सामने। एक ये पॉसिबिलिटी बनेगा प्लस एक और पॉसिबिलिटी में क्या होगा बच्चे लोग, सी एन रहेगा, यहाँ ओ एच लेफ्ट साइड होगा एच होगा, यहाँ पे ओ एच होगा एच सी एच टू ओ एच होगा, ये दो पॉसिबिलिटी क्रिएट हो सकता है। उसके बाद हम लोग क्या करें, इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे H प्लस एच टू ओ से, तो होता क्या है जो टॉप का जो सी एन ग्रुप है उसका हाइड्रोलाइसिस होने के बाद क्या आ जाएगा, वो जाएगा सी ओ एच में। आपके पास टॉप का साइनाइड ग्रुप जाएगा सी ओ एच में, आपका पॉसिबिलिटी एक ऐसा होने वाला है, ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी इस तरीके का होने वाला है। लास्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, चलो नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो इन दोनों को अगर हम नाइट्रिक एसिड से ऑक्सीडेशन करेंगे तो नीचे का जो सी एच टू ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन होके वो चला जाएगा सी ओ एच में। तो ध्यान देंगे एक कंपाउंड आपका ऐसा बनने वाला है, और एक कंपाउंड आपका ऐसा क्रिएट होगा। ध्यान देना आप लोग, जो पहला जो कंपाउंड, इसको मैं अगर बोल दूं कि ये कंपाउंड अगर ए है और ये कंपाउंड अगर बी है, तो आप देखोगे कंपाउंड ए में आपके पास एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसके अबाउट, यानी ये हो जाएगा मेजो कंपाउंड। इसके पास कायरल सेंटर है बट चूंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव होगा। और जो कंपाउंड बी है इसमें कायरल सेंटर है और इसमें कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आपका बी ऑप्टिकली एक्टिव होगा और ए क्या होगा, मेजो कंपाउंड होगा। तो आप जब ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन जो सी होगा करेक्ट होगा। सी में क्या दिया हुआ है, वन इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड वन इज मेजर कंपाउंड, ठीक है। तो बच्चों लोग ध्यान देना, इस क्वेश्चन में कार्बोहाइड्रेट था, बेसिक ऑर्गेनिक का रिएक्शन था, बेसिक रिएजेंट का एप्लीकेशन था, और ऑप्टिकल आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट भी इसमें इन्वॉल्व था। ये मल्टी कॉन्सेप्ट लिंक क्वेश्चन था। इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बच्चों लोग आपके सामने यूरेसिल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है,
यूरेसिल जो होता है आपके आरएनए में होता है, ठीक है। और आपसे पूछा क्या होगा इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको पता करना है कि यूरेसिल का मोलर मास कितना होगा, मोलर मास कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ये आपका एटम्स का मास दिया हुआ है, ठीक है। आप क्या करोगे सारे मास को इसमें ऐड करो, तो यूरेसिल का मोलर मास कितना निकलता है हमारे पास, ये निकल के आ जाएगा 112 ग्राम। बहुत सिंपली आपको क्या करो एलिमेंट्स के मास को ऐड करते जाओ, जो भी मौजूद है आपका निकल के आ जाएगा। अब इसमें आपको पता है दो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जो इसमें मौजूद है उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 ग्राम। हमको निकालना है क्या है बच्चों लोग, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। कैसे निकालेंगे, तो नाइट्रोजन का अमाउंट कितना, 28 ग्राम, टोटल वेट कितना सिस्टम का 112 ग्राम इंटू 100, बच्चों लोग ये आ जाएगा आपका 25% कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ये बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट का सिंपल सा एप्लीकेशन था, ठीक है बच्चों लोग। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने इस हार्मोन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपसे बोला गया है इस फिगर में कितना एसिमेट्रिक कार्बन होगा। एसिमेट्रिक मतलब कायरल सेंटर कितना हो सकता है जिसके पास चार अलग अलग वैलेंसी होगा। तो हम लोग काउंट करते हैं बच्चों, ध्यान देना, एक पोजिशन मुझे दिख रहा है, एक पोजिशन हो सकता है, ठीक है, जो एसिमेट्रिक होगा। एक पोजिशन जो है मुझे ये दिख रहा है जो एसिमेट्रिक हो सकता है होगा, ठीक है। एक पोजिशन मुझे ये दिखा, तीन यहाँ मुझे दिख सकता है, ठीक है। चौथा पोजिशन ए होगा बच्चों लोग, पांचवा ए होगा और छठा पोजिशन ए होगा। तो टोटल जो है एसिमेट्रिक कार्बन इस फिगर में है, इसका नंबर होगा बच्चों लोग 6। तो ये बेसिकली आपका ऑप्टिकल आइसोमर का कॉन्सेप्ट है कि एसिमेट्रिक कार्बन हम किसको बोलते हैं, तो जिसके अराउंड चार डिफरेंट ग्रुप अटैच होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन। तो उस काउंटिंग पे ही क्वेश्चन बेस्ड था। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने रहे, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या बोला हुआ है कि विटामिन सी का अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है इसमें सबसे स्टेबल फॉर्म ऑफ विटामिन सी क्या होगा। तो ध्यान देंगे, इन सारे फेयर को आप एनालाइज करोगे तो आपके पास जो ऑप्शन ए है, ए में आपके पास डबल बॉन्ड ओ है, जो लिंक है कनेक्टेड है इस लोन पर वाले ओ से, यहाँ पे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, प्लस यहाँ जो डबल बॉन्ड है इसके साथ भी इसमें कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो ये जो फिगर, इसमें कॉन्जुगेशन का नंबर ज़्यादा है, ठीक, डबल बॉन्ड ओ है और साथ में डबल बॉन्ड कार्बन का डबल बॉन्ड साथ भी इसमें कॉन्जुगेशन है। तो इस सारे ऑप्शन में जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है विटामिन सी का वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है बच्चों लोग। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग आपके सामने विटामिन टॉपिक का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो जो बेसिकली एनसीईआरटी में टेबल दिया है उस टेबल से ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको एनसीईआरटी का विटामिन का चैप्टर का एक टेबल अच्छे से फॉलो कर लेना है। तो किस विटामिन के डिफिशियंसी से क्या डिजीज होता हो का लिस्ट यहाँ दिया हुआ है, ध्यान देंगे। विटामिन ए के कारण होता है डिफिशियंसी से आपका होगा 3rd नंबर, ठीक है। आपको पता है स्कॉर्बिक एसिड मतलब क्या होता है, इसको लिंक कर सकते हो आप स्कर्बी से, ठीक। तो ए का होगा 3 और बी का सी का होगा बच्चों लोग 4। तो ए का 3 और सी का 4 में जो है आपके पास दो ऑप्शन है, बी एंड डी ऑप्शन है, ठीक है। थायमिन के डिफिशेंसी होता है बच्चों लोग 1, बेरी बेरी होता है, ठीक है। तो बी के लिए क्या होगा 1, तो आप देखोगे आपका जो करेक्ट सॉल्यूशन होगा इसका ये होगा ऑप्शन बी। और डी जो है राइबोफ्लेविन, इसके कारण होता है 2, ठीक है। तो बेसिकली आपको टेबल को अच्छे से स्टडी करना है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग ध्यान देना, आपके सामने एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछ के आ रहा है कि एक पेप्टाइड को अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो उसमें 3 मोल ग्लाइसिन मिल रहा है, 2 मोल ल्यूसिन मिल रहा है, 2 मोल वैलिन मिल रहा है। तो बोला गया है कि आपको पता करना है इसमें कितना पेप्टाइड लिंकेज होगा। तो ध्यान देना, नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज इक्वल टू क्या होता है, अमीनो एसिड्स का नंबर से -1 कर देना है, ठीक है। तो 2 अमीनो एसिड मिलेगा तो उसमें पेप्टाइड लिंकेज 1 क्रिएट होता है, ठीक है। अगर आपके पास 10 अमीनो एसिड है, 10 अमीनो एसिड्स में आपका जो पेप्टाइड लिंकेज होगा
वो हो जाएगा 9, लिंकेज होगा 9, यानी सिंपली है आपको अमीनो एसिड का नंबर काउंट करना है, उसे एक 1 माइनस कर दो तो मिल जाएगा आपको पेप्टाइड लिंकेज। तो यहाँ पे 3 मोल ग्लाइसिन हो गया, 2 मोल ल्यूसिन हो गया और 2 मोल वैलिन हो गया, तो टोटल मोल कितना हो गया, ये हो जाएगा 3 + 2 + 2, ये हो जाएगा 7, तो 7 अमीनो एसिड्स है। तो आपके पास लिंकेज कितना होगा, जब पेप्टाइड लिंकेज का नंबर हो जाएगा उससे एक कम, यानी होगा इसका आंसर 6। तो यहाँ पे आप 6 बोलोगे बच्चों, इसका आंसर 6 होगा, ठीक है। ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, जितना अमीनो एसिड होगा उससे एक कम लेना आपको पेप्टाइड लिंकेज। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है कि वैलिन एंड प्रोलिन को लेकर के हम कितने तरीके का ट्राइपेप्टाइड बना सकते हैं। ध्यान ना, वैलिन को मैं डिनोट करता हूँ V से, इन प्रोलिन के लिए मैं P यूज करूँगा। ध्यान ना, यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है ट्राइपेप्टाइड का क्या हो सकता है बच्चों लोग, तो वी 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 हो सकता है, पी 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 हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, तो वी वी पी ले सकते हैं, यहाँ पे पी पी वी ले सकते हैं, इसमें एक और ले सकते हैं कि वी पी वी ले सकते हैं, यहाँ पे क्या ले सकते हैं बच्चों लोग, पी वी पी ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब ध्यान दें, यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे आप ले सकते हो वी पी पी और यहाँ पे ले सकते हो पी वी वी ले सकते हो, ठीक है। अब देख रहे हो टोटल पॉसिबिलिटी आपके पास कितना दिख रहा है जो डिफरेंट होगा, तो टोटल आपके पास 8 पॉसिबिलिटी है जो कि डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बच्चों लोग 8, ठीक है बच्चों लोग। तो इस तरीके से इसमें सिंपली क्या करना था, आपको बेसिकली 2 अमीनो एसिड आपके पास दिया हुआ था, आपको बेसिकली नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ढूंढना था कि कितना हो सकता है। इसके लिए एक मैथमेटिकल तरीका भी हो सकता है, क्योंकि आपके पास 2 अमीनो एसिड है, ठीक है, और आपको तीन बार उसको अरेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए आप 2 to power 3 का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है बच्चों लोग। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या है, आपके पास एक ओलिगोपेप्टाइड है जिसका नाम दिया हुआ है और बोला है इसमें कितना sp2 कार्बन होगा। ध्यान देना, इस नाम को अगर हम ब्रेक करें तो इसको ऐसे में ब्रेक करो, अलाइल ग्लाइसिन फिनाइल अलाइल आइसोल्यूशन। ये मैं ब्रेक इसलिए कर रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि इस पेप्टाइड में कितना अमीनो एसिड होगा। तो ध्यान देना, ये जो नाम है बिलोंग करेगा अलानाइन के लिए, ये बिलोंग करेगा ग्लाइसिन के लिए, ये बिलोंग करेगा फिनाइल अलानाइन के लिए, और ये बिलोंग करेगा आइसोल्यूशन के लिए, यानी यहाँ पे कितना है, 4 अमीनो एसिड है। तो ध्यान देना, अगर इनका हमको फिगर पता होगा तो हम आराम से इसमें बता सकते हैं कितना sp2 कार्बन होगा। ध्यान देंगे, जो अलानाइन होता है वो ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ग्लाइसिन बहुत सिंपल है, ये हुआ आपका ग्लाइसिन। फिनाइल अलानाइन कैसा होगा बच्चों लोग, तो ये होगा आपका इस तरीके का, और आइसोल्यूशन कैसा होगा बच्चों लोग, तो ये ऐसा कुछ होगा। अब बस आपको काउंट करना है कि इसमें कितना sp2 कार्बन है। अगर हम काउंट करते हैं बच्चों लोग, तो ध्यान देना, यहाँ पे एक कार्बन sp2 दिखेगा आपको, तो ये 1 कर देते हैं, इसको आप 2 कर सकते हो, यहाँ पे 3, और बेंजीनिंग यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, इसमें सारा कार्बन sp2 होगा, तो यहाँ से 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। और इस फिगर में आइसोल्यूशन में आपका ये कार्बन होगा sp2, यानी 10, इन टोटल 10 कार्बन होगा इस ओलिगोपेप्टाइड में,
जो कि होगा sp2 हाइब्रिडाइज, इसका आंसर बचलो होगा 10। तो आपको अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर याद करना बहुत जरूरी है, इसके बिना क्या होगा क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। तो ये थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है और आपको रिमेम्बर भी करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कि रिसेंट जो पेपर है उसमें अमीनो एसिड का टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो आप इस बार के लिए आपको टेबल थॉरो करके एग्जाम में बैठना है। ठीक है बच्चों लोग, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में पूछ के आपसे कि एक प्रोटीन है एक्स जिसका हम हाइड्रोलाइसिस करने के बाद आपको अमीनो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, उसका मोलर मास दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला है कि इसके हाइड्रोलाइसिस से जो अमीनो एसिड प्रोड्यूस करेगा उसमें से नीचे वाले ऑप्शन में से कौन सही हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना, आपको पता है कि प्रोटीन बेसिकली बनता है अल्फा अमीनो एसिड से। इतना तो हम कन्फर्म है कि जो हाइड्रोलाइसिस के बाद जो भी आपका अमीनो एसिड प्रोड्यूस होगा वो अल्फा होना चाहिए, यानी इस कैटेगरी का होना चाहिए। एसिड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसी पोजिशन में आपका NH2 होना चाहिए। तो आप अगर देखोगे तो गिवन ऑप्शन में से बच्चों ऑप्शन बी है, बी में अल्फा पोजिशन पे NH2 है, बाकी कहीं भी अल्फा पोजिशन में NH2 नहीं है, नहीं बाकी कोई भी अल्फा अमीनो एसिड नहीं है। इसका मतलब प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस हमको मिलता है अल्फा अमीनो एसिड, तो उसमें से बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी अमीनो एसिड का लिस्ट जो भी दिया हुआ है उसमें कोई भी अल्फा नहीं है, तो उसको हम सही नहीं मानेंगे। ठीक है बच्चों लोग, तो ये आपके बेसिक एप्लीकेशन पे क्वेश्चन था कि प्रोटीन पॉलीमर होता है अल्फा अमीनो एसिड का। तो बच्चों लोग, हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, आपके सामने एक टेट्रापेप्टाइड दिया हुआ है। ठीक है, और आपको बोला गया इस ये टेट्रापेप्टाइड जिस भी अमीनो एसिड से बना होगा उसका आपको 1 लेटर कोड वर्ड जो होगा आपको यूज करके नीचे बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। ध्यान देना, पहले हम पहचानते हैं यहाँ पे कौन कौन सा अमीनो एसिड लिंक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हाइड्रोलाइज करके बॉन्ड को तोड़ देते हैं, तो यहां से आपका बॉन्ड टूटेगा। तो यहां से बॉन्ड टूटेगा, तो बच्चों लोग आप यहां पे एच को जोड़ोगे और यहां पे ओएच को जोड़ोगे। अगला जो बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा बच्चों लोग, ये ब्रेक करेगा इस पॉइंट से। तो यहां पे आप क्या करो बच्चों लोग, यहां पे आप एच को जोड़ोगे और यहां पे आप ओएच को जोड़ोगे। नेक्स्ट बॉन्ड बच्चों लोग आपका ब्रेक कहां से करेगा, ये ब्रेक यहां से करेगा। तो आपका एच यहां जुड़ेगा और यहां पे OH जुड़ेगा। तो जानेंगे एक अमीनो एसिड ये मैं मार्क कर रहा हूं, एक ये होने वाला है, एक ये होने वाला है, एक अमीनो एसिड ये होने वाला है और एक अमीनो एसिड ये होने वाला है। अब इसको हम लोग पहचानते हैं, ध्यान देना, जो इसको मैं बात कर रहा हूं तो ये जो अमीनो एसिड है ये फिनाइल अलानाइन है। इसको आप देखोगे तो इसका जो आर ग्रुप है यहाँ दिखा हुआ है, इसको आपको टेबल में दिखाता हूँ। तो एनचेरी का जो टेबल है उसको आप देखोगे तो फिनाइल अलानाइन, ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे इसका आर ग्रुप आप उससे मैच करेगा। इसके लिए हम कोड वर्ड यूज करते हैं F, यानी पहला जो होगा इसके लिए हम F लेंगे। सेकेंड जो अमीनो एसिड उसका आर को आप देखोगे तो मैच करेगा ल्यूसिन के साथ, यानी मैच करेगा इसके साथ ल्यूसिन, यहाँ देखो दिखा हुआ है, ठीक। तो ल्यूसिन के लिए जो आप कोड वर्ड लेते हो L लेते हो। ये मैच करेगा ल्यूसिन, इसके लिए कोड वर्ड होगा L। अगला जो होगा ये जो आपको दिख रहा है ये मैच करेगा आपको बच्चों लोग स्पार्टिक एसिड के साथ, स्पार्टिक एसिड। तो स्पार्टिक एसिड के लिए कोड वर्ड यूज किया गया तो बच्चों लोग D, इसके लिए आप D यूज करोगे। और लास्ट में जो अमीनो एसिड है इसको आप देखोगे तो इसका आर ग्रुप ए है,
मैच करेगा आपका ट्रायोसीन के साथ मैच करेगा, जिसका कोड वर्ड होता है बच्चों लोग वाई। ये आपका वाई होगा, यानी आप इसको अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, एफ एल डी वाई, यानी आपका ऑप्शन जो होगा डी करेक्ट होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है, आपका टेबल का एप्लीकेशन है। आपको टेट्रापेप्टाइड को हाइड्रोलाइसिस करके आपको पता होना चाहिए इसमें कौन कौन सा अमीनो एसिड हो सकता है, आपको ये निकालने का तरीका आना चाहिए, और कॉरस्पॉन्डिंग आपको कोड वर्ड याद होना चाहिए। एक कोड वर्ड का जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट कर रहा है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से इसको याद कर लेना है। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक पर दो अमीनो एसिड्स है ए और बी, और उसका यूज करके हम लोग बना रहे हैं साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड। मतलब आपके पास तीन अमीनो एसिड हम यूज करके पेप्टाइड लिंकेज को क्रिएट करने वाले हैं साइक्लिक फॉर्म में। तो बोला है कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है, तो ध्यान देना, अगर हम एज्यूम कर रहे हैं कि मेरे पास फ्रीडम है कि हम सेम अमीनो एसिड को भी तीन बार ले सकते हैं, तो उस केस में अपने पास जो पॉसिबिलिटी बनेगा, तो तीनों अमीनो एसिड हम सेम ही ले सकते हैं, ए ए ए भी हो सकता है, बी 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 भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, चलो आपका ए और ए के बीच में बी आ सकता है, और एक और पॉसिबिलिटी क्या होगा, चलो बी और बी के बीच में क्या आ सकता है, चलो ए आ सकता है। ठीक है, तो ए आपके पास जो चार डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकता है, ए साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड का अपने पास चार डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकता है। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक लेवल पे क्वेश्चन है, आपके पास लिस्ट ऑफ अमीनो एसिड दिया हुआ था, बस आपको पॉसिबल अरेंजमेंट को ढूंढना था। ठीक है बच्चों लोग, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये ऑप्शन होगा बी यानी फोर। बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक स्टेटमेंट है, यानी आपके पास एक असर्शन है और उसका रीजन दिया हुआ है। तो ध्यान ना, असर्शन में क्या बोला हुआ है कि आपके पास अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अल्फा पोजीशन में अगर हैलोजन रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, में अगर हम अमोनिया से ट्रीट करते हैं, तो ध्यान देना इसको अमोनिया से ट्रीट करोगे और अमोनिया एक्सेस में रहेगा, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ जो हैलोजन है उसको हम रिप्लेस कर लेते हैं किससे, उससे रिप्लेस करके हम लोग बन जाता है एनएस टू। ठीक है, प्लस क्योंकि एसिडिक ग्रुप है तो क्या करेगा, यहाँ पे अपने इसको ट्रांसफर करके ज्यूटर आयन में कन्वर्ट कर सकता है, जो पहला स्टेट में आपका दिया हुआ है ना। तो अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड का अमाउंट क्या होता है, गुड यील्ड में प्रोड्यूस होता है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसको हम यूज करके इवन अमीनो एसिड्स को बनाने में भी मेरे को यहाँ से हेल्प मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बच्चों लोग, ये सही होगा। हम बात करते हैं रीजन का, ध्यान देना रीजन में क्या दिया हुआ कि अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज ज्यूटर आयन इन एक्वस फॉर्म, ये भी सही है, बट आपका जो रीजन है वो असर्शन को, यानी यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है उसको, उसके लिए सुटेबल नहीं है। यानी आपका असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों लोग, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने अमीनो एसिड्स का लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, और बोला गया है कि इनमें से किस अमीनो एसिड्स में ओनली वन बेसिक फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ध्यान देना, आपका जो अमीनो एसिड्स होता है वो इस तरह का होता है, उसमें एक एसिड और एक बेसिक ग्रुप प्रेजेंट होता नॉर्मली, और नीचे में एक ग्रुप होता है जिसको हम आर बोलते हैं। तो अगर आपको बोल रहा है कि वन बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब आपका जो अमीनो एसिड ग्रुप होगा उसमें बस एनएच2 होना चाहिए, यानी उसके आर वाले ग्रुप में कोई भी बेसिक ग्रुप नहीं होना चाहिए, यानी इसका जो आर का जो कंटेंट होता है इसमें कोई भी बेसिक ग्रुप नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी एनएच2 होगा बस यहाँ वाला होना चाहिए। तो ध्यान देंगे, आपको पता है कि हिस्टाडीन, लाइसिन और आर्जेनाइन ये सब बेसिक अमीनो एसिड होता है। तो बेसिक अमीनो एसिड में होता है क्या बच्चों लोग, इसमें मोर देन वन बेसिक ग्रुप मौजूद होगा। तो अगर हम देखें
इसका ऑप्शन जो होगा, इसका ऑप्शन डी होगा, डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। तो अगर आपको बस इतना याद हो कि बेसिक अमीनो एसिड का लिस्ट में क्या होता है, तो पता है हिस्टाडीन, लाइसिन और आर्जिनिन बेसिक अमीनो एसिड होगा। इनके इनमें इस NH2 के अलावा जो R ग्रुप है इसमें भी कहीं ना कहीं बेसिक ग्रुप मौजूद होगा, ठीक है। तो अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, NCERT में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल के स्ट्रक्चर में देख लेते हैं, ध्यान देना। इस टेबल में ध्यान देना, जो लाइसिन दिख रहा है, लाइसिन में जो R ग्रुप है उसमें देखो NH2 दिख रहा है आपको, ठीक। आर्जिनिन में ध्यान देना, यहाँ पे जो आर्जिनिन आपको दिख रहा है इसमें देखना, यहाँ पे देखना एक आपका बेसिक ग्रुप आपको दिख रहा होगा, ठीक। तो लाइसिन, आर्जिनिन, एक होता है हिस्टाडीन। हिस्टाडीन में देखना आपके आर ग्रुप में यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो बेसिक की तरह काम करेगा। तो बस एस्पाराग्राइन जो है आपको दिख रहा है बच्चों लोग, यहाँ जो 11 नंबर है इसमें आपके पास कोई भी आपके पास बेसिक ग्रुप नहीं है। यहाँ पे जो NH2 है वो अमाइड की तरह है और अमाइड ग्रुप बेसिक नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बच्चों लोग, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा डी। तो आप देख रहे हो कि NCERT का जो टेबल है अमीनो एसिड्स का वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिसेंट ईयर में आ रहा है। तो आपको ध्यान देना है उसमें टेबल में से जो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको आपको ध्यान में सेट कर लेना है, ठीक है बच्चों लोग। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।